भाग चिड़िया भाग, कहाँ तक भागेगी तू? देखो मेरे पास मत आना। ऐसे कैसे पास ना आऊं मेरी जाने मन, तेरे पीछे इतना दौड़ा भाग गया, थक गया भागते भागते, बिना इनाम लिए तो तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तू कौन है हरामजादे? वाह वाह भाई वाह, यह चिड़िया तो गाली देना भी जानती है। बिल्लू, बिल्लू चौधरी नाम है मेरा, और मैं चौधरी रतन सिंह का साला हूँ, इकलौता साला। देख चला जाए यहाँ से, नहीं तो गर्दन पे तेरी ऐसी दराती मारूंगे कि मरी जाएगा साले। अरे मैं तो तेरी सूरत पर मर गया हूँ जाने मन। छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? छोड़ो मुझे, जाने दे मुझे। ऐसे कैसे जाने दू जाने मन, बहुत देर में तो हत्या आई है तू, आज कैसे छोड़ दूंगा? आज तो तुझे अरे तेरी बहन कई, यूके जंगल में दंगल सा हो रहा। अरे राम के बीज, साले तो है कौन जो हमारे गांव की बहू की इज्जत से खेल रहा है? राजू ये प्रधान रतन सिंह का साला है। हमारे गांव के प्रधान जी इतने सम्मानित आदमी हैं, साले तो इतना घटिया रिश्तेदार कैसे बन गया उनका? एक बात बता रहा मैं, मेरे से पंगा ना ले, ना तो अच्छा नहीं होने का, समझ गया? मेरा नाम बिल्लू है, बिल्लू, बिल्लू चौधरी। मेरे ससुरे बिल्लू, मैं बनाऊंगा तेरा टिल्लू। राजू मतना मारे, मतना मारे, यू प्रधान जी का साला है। प्रधान जी का साला हो चाहे ब्लॉक प्रमुख का साला हो, हमारे गांव की वो बेटी को छेड़ेगा तो मैं तैसे ही मारूंगा साले को। अरे मर जाएगा राजू भाई, छोड़ दे। अरे राजू भाई मेरे साले को क्यों पीट रहे हो? कुछ गलती हो तो बताओ ना, क्या गलती कर दी इसने? अगर राजू यहाँ पर सही टाइम पे नहीं आता तो ये पता नहीं मेरे साथ क्या करता। अजी यू तो इसे पहली देता तेल लगा के। रामी तुझे इसलिए खेत में भेजा था हैं? तू लड़कियों की औरतों की इज्जत के साथ खेल है हैं? रामखोर खड़ा हो। तुझे खेत पे इसलिए भेजा था क्या? खेत में जाकर किसी गरीब की इज्जत को लुटेगा? जिज्जा जी गलती होगी। गलती ना बेटे, यू तो बहुत बड़ा गलता था तेल लगा के। बेटी तू घर जा, आज इसी खाल तो मैं ही उतारूंगा। खोर, तू गरीब औरतों को खिलौना समझता है? और अगर कहीं तेरी माँ बहन होती तब भी तो उनके साथ यही करता। सलमा जी अब तुम जाओ, इसे तो प्रधान जी संभाल लेंगे तेल लगा के। और बात सुन लो प्रधान जी, इसे समझा लियो, अगर आज के बाद इसने ऐसी ओछी हरकत करी ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चलो भाभी जी। अरे साड़े तुझे पता नहीं गाँव में हमारी कितनी इज्जत है, तू नौकर चुपचाप अपने घर चला जा, हैं? साला गंदा आदमी। जिज्जा जी आज के बाद कोई गलती नहीं करने का, अरे सारी गलती मेरी थोड़ा ही न थी, वो हमारे खेतों में बढ़ रही थी। अरे खेत में घास फूसी तो काट रही थी, कोई सोना चांदी लूट रही थी वो, आज के बाद कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तेरी, समझ गया? चलो मुनीम जी। चलो जी तेल लगा के। तन्ने बिल्लू चौधरी के मुंह पर थप्पड़ मारा, इसका बदला तो मैं तेरे से जरूर लूंगा, और ऐसा बदला लूंगा और तू हमेशा याद रखेगी। राजू बाइक रोकियो। यहाँ काहे को रुकवा दी बाइक? अरे मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। अच्छा मैं समझ गया तुझे के जरूरी काम है, तू अपने इस मुरारी की गैल
ईख में हनीमून मना का आवेगी। राजू ये बात ना गांव में किसी को मत बताइयो। अरे मुझे की जरूरत है गांव में बताने की? थारे दोनों प्रेमियों का मामला है, रे मौज लो और रोज लो। अरे मुरारी के बच्चे तू अब आया है? आज तो मेरी गल कांड ही हो जाता है। कांड हो जाता? के कांड हो जाता? अरे सारी बात यही पूछेगा क्या? कहीं एकांत में चल बैठ के बताते हूँ। ठीक बता के कह रही थी तू? पहले तो ये बता तू इतना लेट क्यों आया? अरे मेरी जान मैं तो 220 की स्पीड तैयार था, फिर मैंने देखा इसमें पिंचर हो गया। मैंने इंगा देखा उंगा देखा, मजे कोई दुकान ना पाई। फिर पता नहीं कहाँ कहाँ गया मैं, जीप दुकान पाई, पिंचर लगवाया, जीप तेर धुरा आया। अरे तो तू इस खटारे को बेच क्यों नहीं देता? इसे खटारा ना कह दिए, ये तो मेरे बाबा की आखिरी निशानी है। ये तो मेरी जान है, मेरी शान है। पर मेरी जान तू गुस्सा क्यों हो रही? गुस्सा इसलिए हो रही हूँ कि आज मेरी इज्जत लूट जाती। इज्जत लूट जाती? अरे इस पूरे गांव में कौन साला इतना बड़ा पहलवान है जो तेरी इज्जत पर हाथ गेर दे? एक बार साला का नाम तो बता। प्रधान का साला बिल्लू चौधरी। बिल्लू चौधरी? साला वो तो इज्जत लूटी ले, पर तू बच कैसे गई? अरे वो तो सही टाइम पे राजू आ गया वहाँ पे, वरना वो मेरे साथ वो सब करता जो तू करे है। चल बस सही है, शुक्र है गुफा वाले बाबा का तू सही सलामत बच गई। ये सब कुछ तेरे चक्कर में हुआ है, तू हमेशा लेट आता है, टाइम पे कभी नहीं आता। तुझे तो पता है मैं घर का तो कोई काम करती नहीं हूँ, बस तुझसे मिलने आती हूँ खेतों में घास काटने के बहाने। अरे तू इन बातों को छोड़, इब चल भीतर चल, अपने प्रेम की शुरुआत करेंगे। हाँ चल चल जल्दी चल, मुझे देर हो रही है, घर भी जाना है। अरे साइकिल तो उठा दूँ। मुरारी की साइकिल यहाँ? मुरारी कहाँ है? सलमा। हाँ मेरे मुरारी। सलमा मेरी प्यारी। हाँ मेरे प्यारे मुरारी। काट दू तेरी सारी बीमारी? हाँ मुरारी। हाँ तो काट देना, क्यों देर कर रहा है? तो आजा फिर। मुरारी। वो मुरारी। राजा रखो आवाज तो आ रही है, पर एक कुकु जा रही है। लगता है मुरारी खेत में है, मुझे लगा साथ में कोई लुगाई भी है। मुरारी तू आजकल ना बहुत बदमाश हो गया है। ओए माँ हटो ना। बड़ी सेक्सी सी आवाज आ रही है मेरी जान। बहुत गड़बड़ हो रही थी क्या अंदर? तो मुरारी मेरी जान ऐसे मत परेशान करो। हाय मेरे मुरारी, चल हट बदमाश। मुरारी, मैं मुरारी का बच्चा। ये कौन है साला कबाब में हड्डी? ओ मुरारी भैया, ये साले बाहर आ निकल गए, ये ईंट मारू फेंक के। रे आ जा बाहर, नहीं तो ईंट मार रहा हूँ फेंक के, दोनों का सर फूट जाएगा। रे आ रहा ना, ले एक दो। अरे यू ओ भाई है? हाँ भाई क्या बात है? रे बात तो मैं जब बताऊंगा, जब तू उसे निकालेगा बाहर जो तेरी गैर अंदर हनीमून बना रही सरसों के खेत में। बुला। रे बुला रहा कि मैं जाऊं भीतर? तू ना बुलाने का, मुझे ही जाना पड़ेगा भीतर। अरे भाई रुक जा रुक जा रुक जा। बुला। मैं ही बुला रहा। हाँ बुला। सलमा आजा बाहर, मजबूरी है। भाई मजा आ गया, आ जाइए ऊटनी पहाड़ के नीचे। अरे मेरे ससुरे जुगाड़ू, तने मेरा बना बना काम सारा बिगाड़ दिया, तू दो चार मिनट लेट नहीं आ सका था? अरे आ गया तो आ गया, अब तो मैं जेब भर के ही जाऊंगा।
फटाफट 500 रुपए निकाल। 500 रुपए? 500 रुपए किस बात के? राजकुर राज रखने के, रा जल्दी काट दे, नहीं तो इसके आदमी चमनू दीन को जाके सारी बातें बता दूंगा। ना ना जुगाड़ो, चमनू को ना बताइयो, ना तो वो मुझे तलाक दे देगा, मेरा घर बिगड़ जाएगा। अगर तुमने मुझे 500 रुपए दिए तो मेरा तो सारा दिन बिगड़ जाएगा। अरे मुझे दो नए पोवे लाने दारू के। मुरारी दे दे इसे पैसे। मैं कहां से दे दूं पैसे, मेरे पे तो 200 रुपए पड़े। 200 रुपए मेरे धोरे पड़े हैं। तो ठीक है, 200 तेरे 200 मेरे, 600 रुपए दे देंगे, न मानेगा 100 रुपए उधार कर लेंगे। रह लाओ भाई जल्दी दो। लेबा 200 रुपए सही है ये तो। 100 रुपए और दे जल्दी। और ना मार दो रे। 100 रुपए दे मैंने मानू। अरे भाई और ना मार दो रे, फिर ले लिए। मैं कह रहा 100 रुपए और दे जल्दी। फिर ले लिए बिना मार दो रे। नहीं है तो देख ले, एक काम कर ले, जो तू इसकी गैल खेत में शूटिंग कर रहा था एक बार मुझे करने दिए, तू एक्शन तो बोल दे, बाकी सारा काम तो मैं अपने आप कर लू। हट पड़े, साले का थप्पड़ सा मारूंगा, धरती में गिर दूंगा, भाग जाए यहां से। अरे ये बात 100 रुपए की, तेरे किसी दिन दे दूंगा 100 रुपए, पर यह बात किसी को ना बता दिए। रमा जानता है ना तू कौन है, अरे बहू है किसकी, रे जुगाड़ू तो पिएगा आज महंगी वाली विस्की। सलमा चल दोबारा करेंगे शूटिंग चालू। अरे हट, मेरा मूड खराब हो गया, कल को देखेंगे अब। भाभी राम राम। राम राम, लो दुआ का थरा लाड ला। राम राम, कहाँ था भाई तड़की ते बिलो। अरे भैया मैं खेत में गया था राउंड मारने, पर आज एक नया सांग हो गया खेत में। के बात हुई भाई? वो चमनुद्दीन नहीं मुसलमानों में, हाँ उसके घरवाली आज प्रधान के खेत में घास काटने गई थी और वो प्रधान के साले ने पकड़ ली। वो तो टाइम पे मैं जाता ना, पता नहीं क्या सांग हो जाता। तो रैप्टे नहीं मारे साले गए? रैप्टे 4-5 गुट भी मारे साले में। ठीक करा, ये सारा दिन पंच फैसले करता फिरू जाकर, रोटी तो टाइम पे खा लिया कर, कद की ठंडी होगी फिर गर्म करनी पड़ेगी मुझे। भाई एक बात कहूं, कुछ नौकरी नाकरी देख ले, ब्याह हो जाएगा, गांव भी तजा ठलवा कहने लगा। ब्याह करना जरूरी है कि भाई? क्यों ना है जरूरी, मैं ही काम करू जाऊंगी यहाँ पूरा दिन, मैं जाना चाहती कोई हाथ बटाने वाली। अरे किस्मत में होगा तो हो जाएगा, अना तो दुनिया में बहुत लोग देखे जो बिना बहू के रह रहे, मैं भी रह लूंगा। कौन है भाई ऐसे लोग वे? अरे टाटा बाटा मोदी योगी बिना बहू के थे सब। बस तेरा भला हो, मिसाल भी देख कोड़ बड़े सामान की दे रहा। ये चुटकले सुनाने का ही तो काम है इसका पूरा दिन। अरे भाभी ब्याह जब तो होगा, कोई ढंग का रिश्ता तो आवे। ढंग के रिश्ते तो भाई बतेरे आवे, पर ये गांव कितने भले कहाँ है, ये तो तैयार बैठे भांजी मारन के लिया। जो कोई भी आवे बस उसे एक ही बात कहे, इनके वाला तो ठलवा। देवर तेरी उम्र लिकड़ी जा रही, कोई नौकरी चाकरी कर लगा तो तेरा ब्याह हो जाएगा, नहीं तो ठलवो का कोई ब्याह ना करता। अरे भाभी कहाँ से कर लूं नौकरी, सरकारी नौकरी में लगती नहीं, प्राइवेट में करूं नहीं, अब मेरे पेट में मुझसे कूदरे तो मुझे रोटी लग दे जल्दी। सारी जिंदगी मेरे याद के चिल्ले खाओ जाइए, नूनी सोना सुतरा सा है, कोई सोनी सी लड़की पटा के लिया, मेरा भी पीछे छूट जाएगा ये रोटी बनाने दे। भाई भाभी यू तने बढ़िया सलाह दे दी, रिश्ता तो सुधरा हो नहीं रहा, कोई ना कोई छोरी पटाने की कोशिश करूंगा पूरी, अगर मेरी किस्मत में होगी तो पटेगी जरूर। अरे बाजी मैं आप ही को कॉल करने वाली थी, इतने में आप ही की कॉल आ गई। अरे तू तो कह रही थी दिसंबर में तेरी छुट्टियां पड़ने वाली है, तो मेरे यहाँ आऊंगी, पड़ी नहीं छुट्टियां? हाँ बाजी छुट्टियां तो पड़ गई हैं, बाकी कल आ रही हूँ आपके पास। अरे तो कल आ रही है? भाई वाह, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। चल ठीक है, तू आ जाती है ना तो मेरा भी मन सा लग जाता है। मैं करेक्ट 10 बजे सिंघावली बस स्टैंड पे पहुँच जाऊंगी बाजी, तुम बस स्टैंड पे भेज दियो किसी को, सामान बहुत ज्यादा है मेरे धोरे। हाँ ठीक है भेज दूंगी, मुरारी तुझे वहीं खड़ा मिलेगा 10 बजे। ठीक है बाजी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कितना प्यार है हम मामा फूफी की लड़कियों में, बिल्कुल सगी बहनों जैसा, काश सभी बहनों में ऐसा प्यार हो जाए तो दुनिया जन्नत बन जाए।
चलो भाई राजू की तो कोई बात नहीं, वो भी मर्द और मैं भी मर्द, उसकी पिटाई का कोई मुझे ज्यादा मलाल नहीं है, लेकिन लेकिन इस औरत ने मेरे मुंह पर थप्पड़ कैसे मार दिया, बिल्लू के मुंह पर थप्पड़ मार दिया, अपने आप को और की परी समझिए, हैं? इसका बदला लिया जाएगा और बहुत भयंकर तरीके से लिया जाएगा इसका बदला, छोड़ने का नहीं मैं भी। साड़ी दो कौड़ी की औरत मेरे खेत में घास काटने वाली घसियारी मेरे मुंह पर थप्पड़ मार गई, प्रधान के साले के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। अरे बेटे केला बैठा के बड़बड़ा रहा तेल लगा के। मुनीम जी पहली बार किसी लुगाई ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, उसके थप्पड़ का दर्द मेरे गाल से ज्यादा मेरे दिल को हो रहा। अरे भूल जा बेटे, दिन गया बात गई। अरे मुनीम जी तू भी कैसी बावड़ घंटी जैसी बात करे हैं? कहावत यो नहीं है अग दिन गया बात गई, कहावत यो है रात गई बात गई। लेकिन उसने जो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा ना, वो दिन थोड़े मारा सरे आम मारा, इसका तो बदला मैं लेकर आऊंगा और ऐसा बदला लूंगा कि पूरा जहान देखेगा। बस जी मेरे प्यारे मुनीम जी, मुझे तू बस एक बार उस कुतिया का घर दिखा दे, उसके घर में बढ़कर मैं उसके टुकड़े 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 कर दूंगा। अरे बेटे सबर का फल मीठा होवे है, दिमाग में उल्टा सुद्धा विचार मत लावे, जो तन्ने गांव में कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया तो गांव के तुझे मिलकर मार देवेंगे। ये करूं मुंशी जी, मेरा तो दिमाग फटने को हो रहा, या तो मैं अपना दिमाग फाड़ लूं या मेरी सुसरी उस कुतिया को टांग पर टांग धर कर फाड़ दूं। अरे बेटे तू फाड़ने फूड़ने की बात मत करे, मेरी बात सुन गौरते, उसके घर में भैंस है, एक ना एक दिन वो खेत में घास लेन जरूर आवेगी, साली को वहीं रगड़ दे तेल लगा के। तो ठीक है मुनीम जी, आप उस पर नजर रखो। अरे बेटे नजर कहाँ तक रखू, नजर तो कमजोर होगी तेल लगा के। मुनीम जी इसका इलाज भी है मेरे, ये लो और अपनी नजर तेज करो। बेटे उनने तुझे देख कर थूका था ना, तू भी साली के ऐसी जगह थूकी है जो किसी को दिखा भी ना पावे तेल लगा के। भाई मुंशी जी यो ठीक रहेगा। सल माँ मैंने तुझे कितनी बार मना किया है खेत में अकेली मत जाया कर, पर तू है कि मानती नहीं। अरे मैं क्या, सारी दुनिया अकेली जाती है, लेकिन आज से पहले ऐसी हरकत किसी के साथ नहीं हुई। अरे चमन भाई है के? चमनू भाई राम राम। राम राम। बैठिए। बैठो बैठो बैठो। अरे धनी राम जी इस वक्त तुम हमारे घर पर? भाई चमनुद्दीन मुझे प्रधान जी ने भेजा तेल लगा के। तुम्हें किस लिए भेजा प्रधान जी ने? प्रधान जी ने कहा है जो आज उनके साले ने हरकत करी है वे उसके लिए बहुत शर्मिंदा है, आगे से ऐसी हरकत नहीं होने की तेल लगा के। धनी राम जी आज तो ये हरकत उसने सलमा के साथ की है, कल को किसी और के साथ भी करेगा, ऐसे तो औरतों का जाना खेतों में बंद ही हो जाएगा। नहीं चमनू भाई ऐसा नहीं होने का, वो तो दो चार दिन में अपने घरों जान वाला है तेल लगा के। मुनीम जी उस कुत्ते को समझा देना कि जब गरीब की इज्जत की बात आती है ना तो वो अपनी जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। सलमा जी दिमाग से गर्मी निकाल दो, तम आराम से रोटी खाओ और ठंडा पानी पियो, मैं उसे अपने आप समझा दूंगा तेल लगा के।
राजू राजू देख सूरज कहाँ चढ़ गया, खड़ा हो जल्दी। सोन देना भाभी, तेरी नींद ही ना पूरी होती। तेरे भाई देख कद के खेत में भी जा लिए। भैया खेत में चले गए? और कद के बस तो 2 घंटे और सोन दे भाभी। हे भगवान फिर लौट गया, खड़ा हो जल्दी, मैं सोऊंगी तेरे 2 घंटे। खड़ा हो। अरे भाभी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो ले। अरे मुझे तैयार होकर कहाँ जाना भाभी? सैर जाना, बाजार तक खाद बीज लाना, तेरे भाई क्या गए थे। चल मैं नान जाऊं फिर रोटी बनाऊंगी, खड़ा हो जल्दी। ठीक है। चमेली तुझे कोई काम ना है जो सुबह सुबह मेरी अंगड़ाई देखने आ जा। अरे मैं तो पता नहीं केक के देख लूं, पर तू दिखाता तो नहीं। के मतलब? अरे सिनेमा में पिक्चर दिखाने की बात कर रही हूँ मैं। तेरा वो खसम दिखाओगा ना जिसके ब्याह का आ रही, मुझे कह रही। आए हाय किस कम वखत का नाम ले दिया, उससे शादी करके तो मेरे वैसी भाग फूट गए, मुझे तो तेरे जैसा हैंडसम चाहिए था। अरे तू काम बता, सुबह सुबह मगज मत ना मारे, काहे को आई तू, अपना काम बता ना। अरे मेरी डोली खाली है, इसमें लस्सी घाल दे। मैं ना घालने का, अभी मैं नहाया धोया ना हूँ, भाभी आओगी वो घाल लेगी। तू ही घाल दे। के बकवाद कर रही चमेली तू हैं? के गलवावे तू इस पर तड़के तड़क। अरे मैं तो लस्सी की बात कर रही थी। शर्म ना आती तो जैसी मजाक कर तू, ये उल्टी सुद्धी गाऊ जा सारा दिन। अरे मैंने क्या उल्टी पुल्टी बात कर दी? देख चमेली अगर तू मेरे देवर ऐसी वैसी मजाक करेगी ना तो तेरी लस्सी पासी यहाँ बंद कर दूंगी मैं। अरे भाभी क्यों बहस कर रही इससे, लेकर डोली गाल देना इसमें थोड़ी लस्सी। ला गाल लूंगी। अरे तू के इसका मुंह देख रहा, भीतर को चल, इसका कुछ ना पता तेरा नजर लगा देगी। अरे भाभी मेरे किसी चुड़ैल पुड़ैल की नजर ना लगे। अच्छा मैं चुड़ैल लग रही हूँ? बहुत महंगी क्रीम लगाऊं मैं, 200 रुपए वाली। तो हमें क्यों बता रही रेट क्रीम के? भीतर को चल, इसका कुछ पता ना कहीं का रेट बता लगे। सही कह रही तू भाभी। हाय मेरे राजू, तू कब बनेगा मेरा राजकुमार? ले पकड़ गलगी तेरी लासी, जा अपने घरू। बस बस इस हिस्से को तोड़ गई मानना का आज। अरे भाभी शहर जा रहा हूँ, अगर कोई देखेगी तो लगना चाहिए ना, छोरा स्मार्ट है। सबको पता तू सोना है, पर पता नहीं वे आजकल की लड़की कहाँ मर गई, उन्हें दिखता ही ना के मेरा सोना देवर। भाभी मुझे पूरा यकीन है, मुझे एक ना एक दिन तेरे जैसी सोनी छोरी जरूर मिलेगी। ज्यादा मस्का तो लगावे मत ना, ले पैसे पकड़ और बीज खाद लिया। अरे भाई किबलो तू खाद लेना का, मैं खेत में तभी होकर उल्टा लिया। भैया मैं तो चला जाता, मैं थोड़ा वर्जिश करने लग गया था, ससुरा पेट का मौका ना दे रहा। चल तो भाई ठीक है, इवार क्यों कर रहा, अर्तावड़ा आइए। ठीक है। राजू को दूध दे दिया था? हाँ दे दिया था। तो हमें भी दे दे कुछ। के दे दू? अरे रोटी दे दे, एक आधी गाल का और के देती। यही गाल में दू परामटे, चलो भीतर चल। ताऊ राम राम। अरे के बात आऊ ना राम राम बिना ली। ताऊ कैसे बात है राम राम बिना ले रहा? भाई मेरा पोता बीमार है। पोता बीमार है तो डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को कहां से दिखाऊं भैया, घर में तो एक पैसा भी नहीं है, हालत इतनी खराब है भैया, सारे गांव में घूम लिया,
किसी ने एक पैसा भी ना दिया। ताऊ गांव में किसी ने तुझे पैसे ना दिए, सुसरों को मत देने दे, मैं दूंगा तुझे पैसे। 1500 रुपए भैया ने खाद लाने को दिए, खाद सुसरा 4 दिन बाद गिर जाएगा, तू अपने पोते का इलाज करवाता हूँ, ले पकड़। बेटे तन्ने आज बुरे टाइम पे मेरी मदद करी है, बेटे तुझे भगवान इसका फल जरूर देगा। भाई ताऊ, भगवान मुझे और कुछ फल दो या ना दो, पर आज तू मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दे जो मेरा जल्दी ब्याह हो जा। जा बेटा, ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूँ, तेरा ब्याह जल्दी से जल्दी होगा। बस ठीक है ताऊ, हो गया काम, तन्ने आशीर्वाद दे दिया तो नुमान मेरा ब्याह हो ही जाएगा। भाई ताऊ, शहर जाने का तो कोई फायदा नहीं, तो खेतों में क्यों ना घूमी आऊं। हे भगवान, इसकी मनोकामना पूरी करी। भाई चमनुद्दीन, कैसे हो रहा? अरे मैं अपनी किस्मत को रो रहा। क्यों, क्या हो गया? कहीं पढ़ लिख लेता तो सरकारी नौकर बन जाता, अब बिना पढ़ो लिखो सलमा की नौकरी करनी पड़ रही। पर भाभी है कहाँ? भीतर है, मेकअप कर रही मुई। तो उसने मुझे काहे को बुलवाया? यू बात तो तू उससे ही पूछ ले, पर कुछ मेरे दिल की भी तो पूछ ले कर। नहीं भाई, तेरी नहीं सुनने का मैं, तेरी सुनने में तो मुझे खतरा सा लगे। कभी कभाग मेरी भी सुन लेकर मुरारी, कभी काट दे मेरी भी बीमारी। भाई मैं आदमी नहीं हूँ, इस तेरी बीमारी को तो कोई होरी काटेगा। चल मुआ कहीं का ना मर्द, जा चल भाग यहाँ से, चमचा गिरी कर सलमा की। सलमा प्यारी, क्यों होठों पर जुलम धारी? अरे तेरे लिए तो अपने होठ सजा रही मेरे प्यारे मुरारी, मैं जो भी सस्ती सवरती हूँ वो तेरे लिए तो सजती हूँ, वरना चमन तो मेरा मेकअप देखता ही नहीं है। वो तो बेचारा देखना चाहे, पर तू दिखाती तो ना, हर टाइम उसे काम इल्लू में लगाओ रखे। अरे वो है ही इसी लायक, और तो कोई काम उससे होगा नहीं, तो घर का काम ही करेगा। वो तो शुक्र है हमने 10 बीघे जमीन ले रखी है ठेके पे, तो घर का गुजारा उससे चल जाता है। इस ट्रैक्टर को तो चमनी चलाता होगा। अरे उसके तो दादा ने भी नहीं चलाया कभी ट्रैक्टर, वो तो मैंने तेरे जैसा एक चेला पटा रखा है, उससे ही चलवाती हूँ। मेरे जैसा चेला? मेरे तो सोना है, मेरे तो बुंडा है। अरे नहीं नहीं, वो तो बेकार है, तू ही तो मेरा सच्चा प्यार है। फिर तो ठीक है, आ तो प्यार तो मुझे गले लगा ले। अरे हट, पागल है क्या? चमनू घर पे ही है, अगर उसे पता चल गया ना तो हमारे प्यार का भांडा फूट जाएगा। जिब तुझे प्यार नहीं करना था तो तन्ने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? आज 10 बजे मेरे मामा की लड़की आ रही है, उसे बस स्टैंड से लेके आना है। ए? के का? खुशबू आ रही है? भाई वाह, आज तो मजा आ जाएगा। ज्यादा खुश मत हो, कभी मजे मजे में उसे भी आई लव यू बोल दे। नहीं नहीं, मैं तो अपनी सलमा का ही हूँ और सलमा का ही रहूंगा, पर भली मानस मुझे जल्दी जल्दी टाइम भी दे दिया कर। अच्छा ठीक है, निकाल लूंगी टाइम, पर अब तो टाइम खराब मत कर, जल्दी जा खुशबू को लेकर आ, कहीं वो तेरा इंतजार देखते रहे बस स्टैंड पे। अभी गया और अभी आया। अरे हट जा, ब्रेक ना हो भाई, ओ भाई, ओ भाई, भाई 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 आराम मार दिया रे। अरे मैं कह नहीं रहा था इसमें ब्रेक ना है। अरे मार दिया रे, तोड़ दी मेरी कमर। अरे भाई मैं तो पहले ही कह रहा था ब्रेक ना साइकिल में, हट जा परे को, तू अच्छा नहीं ले ले डोके। अरे कम भगत मारे उठा तो दे मुरारी के बच्चे। हाँ यार, टक्कर मन ना मारी, इसे ठाने का फर्ज तो मेरे ही बने। ला भाई ला, हाथ दे उठ। अरे भाई ऐसा का तेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, अरे कुछ तो संतुलन तू भी बना ले अपने शरीर का, तू तो यार उही हो रहा, ला पकड़ा हाथ। घड़ा बोल रहा है, एक तो मेरे हाथ पैर तोड़ दिए। मरण को रहा बेवड़ा कहीं का।
अरे चलो शुक्र है भगवान का, जान बच गई। लिया दिया किसी का आगे आ गया, हाथ पड़ा टूटे। अरे मेरे यार, तू तो डाल घबरा रहा, जहां तेरे पर कुरे लगा इंजन उतर गया हो। ना मार दे मजा, मार दे जान से मार दे। अरे यूके, अरे 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 यू तो मेरा तो बाबा भी सारा गिन गया। अरे यू तो खाली हो गया, फटाफट 100 रुपए निकाल। 100 रुपए क्यों दूं मैं? 100 रुपए फालतू आ रहे कहीं थे? नहीं देता, अभी जा रहा हूँ चमनुद्दीन के धोरे। चमनुद्दीन के धोरे के करेगा जाके? चमनुद्दीन को सारी बातें खुल के बताऊंगा कि तू चमनुद्दीन की बहू की गैल में सरसों के खेत में क्या हनीमून मना रहा था। अरे एक बात तो बता, हमने तुझे 400 रुपए दिए तो थे सुराज को तो फन करने के लिए। बेटे मुझे याद है, 100 रुपए रह गए थे जब तन्ने मुझसे यू कही थी कि 100 रुपए मेरे पे उधार है। चलो वो तो तू बाद में दे दियो, मुझे 100 रुपए इस पव्वे के चाहिए जब तन्ने टक्कर मार के खिंडाया। अरे मुझे 100 रुपए अभी दे। अरे भाई फिर ले लिए, आज मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ, बस स्टैंड पे कोई मेरा इंतजार कर रही। देख भाई तू मुझे 100 रुपए नहीं देगा तो मैं तेरी साइकिल की दोनों पहिये की हवा निकाल दूंगा, फिर बता कैसे जाएगा। तो 100 रुपए लेके मानना? बिल्कुल इभी लेगा अभी। ले यार तो तुम्हें पहले ही लेट कर दिया, पकड़ 100 रुपए। अरे इस खाली का मैं क्या करूंगा। ओए राजू रुक। कहाँ जा रहा? अपने खेतों में जा रहा हूँ, तू बता तुझे क्या अड़कड़ है? मुझे भी ले चल अपने खेत में। मैं क्यों ले चलूँ तुझे अपनी गैल अपने खेत में? अरे बैठा लेना, तेरी गैल चिपक के बैठूंगी। मुझे ना बैठानी तू चिपका के, मुझे काम में बदनाम होना। अरे चल ना, इस बहाने में तेरी फसल भी देख लूंगी। मुझे ना दिखानी तुझे अपनी फसल। हाय अरे क्यों बेकार में अपनी जवानी खो रहा, मेर से सेटिंग कर ले, मौज कर दूंगी तेरी। और ब्याह तो तेरा होना नहीं क्योंकि तू है ठलवा। अरे ऐसे ताने मत मारे पड़ोसन, मेरी लियो भी भगवान ने मेरी किस्मत में कोई ना कोई लिख रखी होगी जो मेरे बालकों की मम्मी बनेगी। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बाजी तो बोल रही थी कि 10 बजे वो वहीं मिलेगा, यहाँ तो 10:30 बज गए, पता नहीं कहाँ मर गया। चलो देखती हूँ किसी से लिफ्ट विफ्ट मांगती हूँ। अरे मैडम कैसा परेशान हो रही है, कहाँ जाना है? मुझे सिंघावली जाना। सिंघावली किसका जाना? मैं चमड़ुद्दीन की साड़ी हूँ। अच्छा, जिसकी बहू का नाम सलमा है, तेल लगा के? वो मेरी बुआ की छोरी है। तो फिर शर्मा क्यों रही है, बैठ बुग्गी में, तुझे उसके घर के आग गई तारूंगा तेल लगा के। मैं इस पे बैठूंगी, इस पे तो मेरे सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तेरे कपड़े गंदे नहीं होने दूं। ले इस पे बैठ। ले अब मैं बैग कहाँ रखूँ, मेरे बैग ना गंदे हो जाएंगे। बैग भी गंदे ना होने देने का हूँ, तू काहे को फिकर मान रही है। ले हाँ जगह बैग, बैग इस पर रख, और कमी पड़ रही हो तो यूं ले, एक बैग इस पर धर। आ जा आजा बैठ तेल लगा के। आजा बैठ गी, कोई दिक्कत तो ना? चलू हाँ बैठ गी। चलो अंकल जी। है अंकल की सगारी, तू मेरी सगी भतीजी है जो मुझे अंकल करी। ये हो गया, क्यों गरम हो रहे हो? गरम तो मैं हो गया था, तने ठंडा कर दिया तेल लगा के। अंकल बता रही, अभी तो मेरी उम्र 55 की है। हाँ
अभी तो दूध पीता बालक ही तो है। खड़े उतर ले, मजाक ले रही मेरी। सामान तार अपना, चल चल तार सामान, चल चल इससे, चल चल बेटा समरू। यू तो बड़ा बदतमीज बुड्ढा था, मेरे बैग और गिर गया। चलो भाई देखती हूँ कोई और रुक जाता है तो, कोई लिफ्ट देगा तो ठीक है, नहीं तो पैदल ही जाना पड़ेगा। रुको रुको रुको। हाँ मैडम, क्या बात होगी, क्यों रुकवाई मेरी बाइक? मुझे सिंघावली जाना, लिफ्ट चाहिए। के नाम है तेरा? खुशबू। खुशबू, अरे वाह बड़ा प्यारा नाम है तेरा, चल बैठ बाइक पे, थोड़ी सी खुशबू मेरी बाइक पे भी हो जाएगी। शुक्रिया। इस बैग को तो आप यहाँ रख लो और इस बैग को मैं पीछे रख लेती हूँ। ठीक है। चलो भैया। ए भैया किसे कही? तुझे ही कही, और तो कोई दिख ना रहा। बहुत जल्दी करके नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर। ले सारा मूड खराब कर दिया भैया कह के, आई खुशबू की बच्ची। इस गांव में सारे बदतमीजी दिखे हैं, सारे बहू बनाने के चक्कर में लग रहे। और किसने कर दिया एक्सीडेंट? यू नवाई तो चल रही। वो इसका तो अटैक पड़ गया, देखिए इसे तो ऑक्सीजन देनी पड़ेगी मुंह से। ओए क्या कर रहा? फूंक भर रहा था। मैं गुब्बारा हूँ जो मेरे में फूंक भर रहा था। मैंने सोचा तू मरन लग रही, तुझे बचा लूं। मैं क्यों मारूं, मरे मेरे दुश्मन। फिर यहाँ रोड पे लाश बन के क्यों पड़ी? रुक अभी बताऊंगी। के कह रहा लाश? खुशबू नाम है मेरा। खुशबू है तो कहीं बाग बगीचे में जा, यहाँ सड़क पे क्यों बिखरी पड़ी? यहाँ ना लौटती और क्या करती, गांव में जाना कोई लिफ्ट ही ना दे रहा। ससुरों की गलती है, इतनी सुंदर छोरी को देख कर तो लिपट जाना चाहिए था। बोलना तो सीख लो या सारे ही गांव की बुद्धि खराब हो रही। अच्छा हमारी बुद्धि खराब हो रही, चलो कोई बात ना, हम तो चले अपने घर को। ऐसे कैसे चला जाएगा, मुझे भी अपनी गैल लेके चल। कौन से गांव में जागी? जो सिंघावली गांव में जाना। गांव में किसके जागी तू? इस गांव में मेरी बुआ की छोरी भी आई, मुसलमानों में मेरे जिज्जा का नाम चमनुद्दीन है। अच्छा तो तू चमनुद्दीन की साड़ी है? भाई चमनुद्दीन की साड़ी है तो मेरी भी साड़ी, और मेरी के सारे गांव की साड़ी तू तो, और साड़ी हो आधी घरवाली। ज्यादा घरवाली बनाने के चक्कर में मत लगे, सारे बुड्ढे जवान एक जैसे हो रहे। चुप का होके मुझे घर छोड़ दे। छोड़ दूंगा, टैक्स लगेगा। क्या टैक्स लगेगा? तुझे कल को मेरे से मिलने आना पड़ेगा। क्यों आऊंगी मैं कल तुझसे मिलने? मुझे तेरे से ब्याह की बात करनी। किसके ब्याह की बात करनी? तेरे और मेरे ब्याह की बात करनी। वाह भाई वाह, प्यार ना दोस्ती सीधा ब्याह। देख बात सुन मेरी, प्यार दोस्ती फ्रेंडशिप ये चोचले होवे शहरों में, गांव में तो रिश्ता होवे या ब्याह होवे। देख सुन मेरी बात, तू है मुसलमान और मैं हूँ हिंदू, अगर तू मेरे से ब्याह करवाओगी ना, हमारे घरों प्याली बन के आवेगी, तो हमारे सारे परिवार वाले सारे रिश्तेदार वाले तेरा मान सम्मान करेंगे और तुझे पलकों पे बिठा कर रखेंगे। और दूसरी बात, तुझे मई जून की टिटार दोपहरी में बुरका नहीं पहनना पड़े, फैशन के कपड़े पहन के मस्त होके घूमे करिए। और तीसरी बात, तुझे मैं तीन तलाक कह के घर से नहीं भगाऊं, सारे रिश्तेदार मुझे लच्छा देंगे घेर के। और सुन चौथी स्पेशल बात, जो तेरे मेरे सहयोग से तेरे बालक पैदा होंगे ना, वे वैसे के वैसे ही पैदा होंगे जैसे भगवान भेजेगा, उनकी गैल कोई काट छाट नहीं होगी। आदमी तो बड़ा दिलचस्प है, इतना बुरा भी ना है। इस गांव में मेरी बुआ की छोरी भी ब्याही, अगर इससे मेरी ब्याह की ताल बैठ गई, हम दोनों बहनों का जी भी लग जा करेगा। के सोचन लगी,
ज्यादा मत सोचे, कदी उस वाली हो जा कहीं ना फिर देर हो जाए। जल्दी बता हाँ या ना, जल्दी बता हाँ या ना। वो मैं हाँ। खुशबू आ गई तू? राजू भाई तू यहाँ क्या कर रहा? खुशबू ले रहा हूँ, तू भी ले ले। आ गया तू? एक घंटे से बाट देख रही तेरी, अब आया इस हवाई जहाज को लेके, यू तेरा आने का टाइम है। है भाई, तू चमनू ने भेजा होगा? नहीं, चमनू ने ना भेजा मुझे। अच्छा, तो तू तेरी सेटिंग ने भेजा। राजू भाई, खुशबू के आगे क्यों आल तू फालतू की बात कर रहा, क्यों मेरी पोल खोल रहा? खुशबू आ बैठ साइकिल पे। मैं ना बैठू इस खटारा पे। अच्छा, इसका मतलब तू राजू के साथ मोटरसाइकिल पाओगी? हाँ। अरे सामान उठा और निकलता बन। अच्छा भाई, आते रहियो। अब बता, कल को मेरे से मिलने आओगी या नहीं? आऊंगी। सच? सच। चल तो इसी बात पे गले मिलकर आई लव यू बोल। आई लव यू। रब मर गया। क्या हो गया? तेरा रूप देख के पागल हो गया छोरा जाट का। पागल हो गया यू छोरा जाट का, तेरा रूप देख के पागल हो गया यू छोरा जाट का। चेहरे का तेरा तेज ऐसा जैसे दीप रात में जला दिए, तेरी एक मुस्कान ने मेरे सारे सिस्टम हला दिए। बीपी हो गया हाई मेरा, रया बात का पीऊ सारा, जान चली गई मेरी तो हो जागा काम उतारा। ब्रेन हो गया हैंग पंप मेरा, रुक गया हार्ट का, अरे ब्रेन हो गया हैंग पंप मेरा, रुक गया हार्ट का। तेरा रूप देख के पागल हो गया यू छोरा। काली जुल्फों ने जब चौबारे पे चढ़ जा, छोरों की तो बात छोड़ बुड्ढों की राल टपक जा। कर दी फेल तन रीता गीता कमला बिमला भीरो, तेरे सामने हमारे गांव की सारी लुगाई जीरो। पीस नहीं जिले में रठ में कोई तेरी काट का, हाय पीस नहीं जिले में रठ में कोई तेरी काट। तेरा रूप देख के पागल हो गया यू छोरा जाट का, तेरा रूप देख के पागल हो गया यू छोरा जाट का, तेरा रूप देख के पागल हो गया यू छोरा जाट का। चल भाई खुशबू, उतर आ गई तेरी मंजिल। अंदर नहीं आओगे? अंदर आ तो गया तेरे दिल में, और कहां लेके जाओगी? दिल की बात का तो पता है बाबू, मैं घर की बात कर रही हूँ, बाजी से मिलके नहीं जाओगे? तू कह रही तो तेरी बाजी से मिल लेंगे, तेरी बाजी से मेरी पुरानी जान पहचान है। चल चलो। बाजी अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, मेरी बहन आ गई खुशबू। जीजू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तुम दिक्कत की बात कर रही हो बाजी, आज मुझे पूरी रात हो जाती पैदल आते आते, अगर आज ये राजू ना मिलता तो।
अरे वो मुआ मुरारी कहाँ मर गया जाके, जो इसे खुशबू को लेने गया था। वो तो अपनी साइकिल पे खुशबू के बैग लाद के लचर पचर होता आ रहा होगा। राजू तेरा लाख लाख शुक्रिया। अच्छा चल तू बैठ, मैं तेरे लिए ना गर्म गर्म चाय बना के लाती हूँ। ना भाभी अभी मेरी चाय पीने की इच्छा ना, मन ने कल किसी को टाइम दे रखा मिलने का, उसकी तैयारी करनी है चल के। अच्छा ठीक है। खुशबू बता आज तेरे लिए क्या बनाऊं? बाजी कुछ भी बना लो, तुम्हारे हाथ का तो सभी अच्छा लगे। अरे आज मेरी साली आई है ना, मटन कोरमा बना लेना। खुशबू ऐसा कितना सामान भर के लाई, ऐसा कितने साल के लिए आई? एक साल के लिए ना आई, दो महीने के लिए आई। सलमा मेरी प्यारी साली, खुशबू आई है, इसको जरा गर्मा गर्म दूध पिलाना, बेचारी बहुत थक गई होगी ना। भाभी जान मुझे भी बहुत जोर की भूख लग रही, मुझे भी कुछ खवा दो ना। हाँ तो चलो रसोई में, जो मन करे वो खा लियो। चलो चलो जल्दी। अरे बैठो ना साली साहिबा। और बताओ घर परिवार में सब खैरियत से है ना? हाँ जीजू सब खैरियत है। हाय मेरी जान, हाय। अरे छोड़ छोड़। आज ना छोटू मत जाए, आज तो कई दिनों में मौका मिला। अरे छोड़, खुशबू के लिए मुझे दूध गर्म करना है। खुशबू के लिए दूध तो तू गर्म कर लेगी, पर मुझे ठंडा कौन करेगा? मेरा इंजन हीट मार रहा, सीज हो जाएगा यू। चल मुझे अपना काम करने दे। अच्छा जीप तो जा अपना काम करवाना हो, जीप तो मीठी मीठी बोल रहे, जा आज के बाद मैं तेरा कोई काम नहीं करने का। अरे ना ना मुरारी ऐसी बात मत कहना, तेरे बिना मेरा गुजारा नहीं होने का। चल तो किसी बात पहले भी बोल। आई लव यू टू। अच्छा ठीक है अब तू जा, कल मैं तुझसे खेतों में मिलने आऊंगी। सच्ची बोल रही? झूठ तो ना बोल रही? सच बोल रही हूँ मेरे सोना, मेरी मोना। हाय। अच्छा खुशबू एक बात बता। क्या मैं सुंदर लगता हूँ ना? मुझे भी कोई लड़का पटा सकता है ना? क्या जीजू तुम भी पता ना कैसी कैसी बात करते रहो। आज तो जी बहुत गर्म सा दिन हो रहा। एक बात तो बता, फरवरी का महीना आ लिया, इब तो गर्मी दिन होने आगे बढ़ के। हाँ वो तो है। राजू कहाँ है? वो खाद लेने गया था, आता होगा। ला 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 ला। अरे भाई मोहम्मद रफी पूरा। राम राम भाई। राम राम भाई, कहाँ था तड़गी तेबिलो? मैं खेत में गया था भाई। भाई खेत में तो मैं भी था, मुझे तो ना दिखा तू वहाँ। मैं वो अरे वो के करा, खाद बीज कहाँ है? मैं ना लाया खाद बीज। क्यों तेरे भाभी ना पीछे तो दिए थे, वे कहाँ गए? वे पैसे मन ने ताऊ शीशपाल को दे दिए। शीशपाल को क्यों दे दिए? उनका लड़का बहुत बीमार हो रहा था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, जीटीबी हॉस्पिटल में ले गए, पैसों की कमी पड़ रही थी। मन कहे ले ताऊ 1500 रुपए मेरे पड़े, तू ले जा अपने बालक का इलाज करवा। बताओ इब खाद बीज कहाँ था आपका? अरे खाद बीज भी आ जाएगा, नु देख अगले ना कितने पुन का काम करा, किसी का बालक बच जाएगा। चोरहे पे एक छोरी की आंख देख के हो गया इसके? मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा। मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही। और आइए कौन है वह छोरी, हम भी बता दे। कौन सी छोरी? जिसकी आंख है बुरी। यू ठीक हुआ? अरे के ठीक हुआ, देवर भाभी में के कान्ना फूसी चली थी, हमें भी कुछ बता दो। अरे वो चमनू दीन ना आया गांव में? हाँ। उसकी साड़ी फसा ली इनने। तेरा भला हो। अरे इतनी सोनी छोरी पूरे मुसलमान नो मना है। तजा कैसे पता हो इतनी सोनी? अरे वो स्कूल की छुट्टी मनाना रही, पिछले साल भी आई थी जब देखी थी मैंने तो। अरे वो तो बात ठीक है, पर एक बात तो बता, वे मुसलमान और हम हिंदू, मारी उनकी ताल कुकर खाओगी? चल खा भी गई, पर इस गांव समाज को के मुंह दिखाओगे? गांव समाज के मैं खान को दे रहा? अरे ही हिंदू मुसलमान की बात, लोग तो पाकिस्तान तला रहे बगा बगा के। उसे देख लो लप्पू से सचिन को, कैसी सोनी बहुला, और मां तो वैसा भी हीरो सा। तम जाके चमनुद्दीन तो रिश्ते की बात करो, गांव समाज को तो मैं अपने आप देख लूंगी। यू बात तो सही कह रही तू, चल तो ठीक है, जिब तू कह रही कर लू मैं चमनुद्दीन तराजू के रिश्ते की बात, इब तो तू खुश है।
हाँ ओए ओ मेरे देवर की सजे बारात लावे स्वागत छमा छम नाचूंगी मेरे देवर की सजे बारात। और बिच्चा मनुदीन आज कैसे आना हुआ तेरा? प्रधान जी तुमने सारे गांव में लाइटें लगवा दी, सारे गांव के नाली खड़ंजे बनवा दिए, कुछ हमारी गली का भी सोच लो। अबे मुनीम जी। हाँ जी। इनकी गली का क्या हाल है? अजी गली तो सबकी बन गई। हाँ। चमनुद्दीन की भी बन गई, पर इसे तो अपनी गली का चौड़ीकरण करवाना है। इसके लिए यहाँ तो कोई इंजीनियर मिला नहीं, साउथ अफ्रीका से इंजीनियर बुलाना पड़ेगा, वही इसकी गली का चौड़ीकरण कर सके तेल लगा के। भाई मैं कुछ समझा नहीं। प्रधान जी तुम समझने के भी नहीं हो, इस मामले को मैं ही संभाल सकूं तेल लगा के। चमनुद्दीन मुनीम जी को समझा दिया है, जो भी तेरा काम होगा यो करवा देगा। देख लेना प्रधान जी, बड़ी समस्या आ रही है। करवा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। प्रधान जी आपका साला बिल्लू कुछ पैसे मांग रहा था तेल लगा के। अरे मुनीम जी वो बिल्लू गया नहीं अपने घर? प्रधान जी वो गया ना, वो यही है, वो तो अपने किए पे घना शर्मिंदा है, बच्चा है, उससे गलती होगी, माफ कर दो तेल लगा के। चलो ठीक है, उसको जितने पैसे चाहिए ना दे दियो, पर एक बात बता, शराब वराब तो नहीं पीता वो? नहीं प्रधान जी नहीं, वो तो बीड़ी भी नहीं पीता तेल लगा के। अच्छा चल जो पैसे मांगा दे दियो। और राशिद बेटा तेरा कैसे आना हुआ, क्या समस्या तेरी? प्रधान जी मेरी बहन की शादी है और कुछ पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। राशिद बेटा चिंता मत कर, तेरी बहन की शादी धूमधाम से कर दो अपने, और जितने तुझे पैसे चाहिए मुनीम से ले जियो। ठीक है प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अल्लमिया आपको और तरक्की दे। मुनीम जी। हाँ जी प्रधान जी। राशिद को जितने पैसे चाहिए ना दे देना, लेकिन ब्याज 1% का लगाना, बेचारा गरीब आदमी है। और दे दूँ प्रधान जी, मैं तो कभी ब्याज फालतू लेता ही नहीं तेल लगा के। ठीक है मैं चलूँ। ठीक है प्रधान जी, 1-2 दिन में आके मैं मुनीम जी से पैसे लेकर चला जाऊंगा। अरे राशिद बेटे मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि गांव में सब खुश रहे बस। जिस गांव में आप जैसे प्रधान जी हो उस गांव में कौन दुखी रह सकता है। अच्छा प्रधान जी मैं चलता हूँ, राम राम। राम राम। और चिंटू बेटा तेरा कैसे आना हुआ? प्रधान जी वो हमारी माँ की 3 महीने से पेंशन रुकी हुई है, उसे खुलवा दो। भाई तो अपने सारे कागज इकट्ठे करके मुनीम जी को दे दियो, तेरा सारा काम करवा देगा। ठीक है प्रधान जी, सारे कागज तैयार है, मैं उन्हें ला के मुनीम जी को दे दूंगा। ठीक है प्रधान जी मैं चलता हूँ, नमस्कार। नमस्कार भाई नमस्कार। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, आप मेरे पे बस यूं ही कृपा बरसाते रहो और मैं गरीब लोगों की बस यूं ही सेवा करता रहूं। बिल्लू बेटा के कर रहा है? अरे मुनीम जी मैं तो थारा इंतजार कर रहा था, ये देखो मेरी बोतल भी खाली होगी, एक बैग बच रहा बस। अरे बेटा तेरी बोतल ही तो खाली होगी, तेरे जिज्जा की तिजोरी भरी पड़ी नोटों ते, खूब नोट उड़ा, बता कतेक देऊं तेल लगा के। मुनीम जी अभी तो मुझे 5,000 रुपए दे दो, 2-3 दिन का काम चल जाएगा। ये लो पियो और जियो तेल लगा के। मुनीम जी तुमने उस हरामजादी की कोई जानकारी नहीं दी? अरे बेटे उसे छोड़, उसकी बुआ की लड़की आ रही है उससे मिलने, बहुत तोप का माल है, साली को उसे दबोच ले किस दिन तेल लगा के। तो ठीक है मुंशी जी, जब तुम्हें वह खेतों की उड़ जाती दिखे ना तुम मुझे बता दियो, बाकी तुम मेरे पर छोड़ दियो। ठीक है मैं चलूं और तू दारू पी तेल लगा के। मजा ही आ जाएगा। अरे डोली वोली को फुको नीचे, मुझे तो राजू से मिलना। हे, 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 चमेली तू मेरे ऊपर बैठ के कर रही? आज मैं तेरा रेप करूंगी।
अभी तू यू क्या कर रही है? दिमाग खराब हो रहा तेरा? दिमाग तो मेरा तन्ने खराब कर रखा। आज नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, आज तो मैं अपना काम पूरा ही करके जाऊंगी। मैं रुका मचा दूंगा, देख चिल्ला दूंगा मैं। तू कितना भी चिल्ला ले, मैं नहीं डरने वाली। अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ कोई, अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ। ए चमेली, तू यूं क्या कर रही मेरे देवर की छाती पे चढ़ के? वो मैं तो राजू के लिए थोड़ा सा मजाक कर रही थी। छाती पे लोटका हुआ है मजाक? ना भाभी, यूं मजाक ना कर रही थी, यूं तो मेरा रेप करने को कह रही थी। ए लुच्ची, तो आज इतनी हद कर दी, तू तो राजू की खाट लो पहुंच ली। ज्यादा सुद्धा ना बने, तन्ने तो बुलाई थी मैं। नू भाभी मंदिर गई है, भैया खेत पे गए, आज मस्ती करेंगे। ना भाभी झूठ बोल रही हूँ, मैंने ना बुलाई। मेरी सुसरी लंका तो जब मेरे देवरी मिला था पूरी दुनिया में। सच कह रही हूँ। राजू ला पकड़िए, इसे बता दू आज मैं, इल्जाम ना लगा रही। फिर यहाँ के ऊपर खाना आई थी तू है, तो जा आज मैं छोड़ो नी। भाभी इसका गला घोट के मार दे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे अरे, इस बिचारी को क्यों मार रही तू? बिचारी है या काली नगण है, अपने राजू को डसाना आई थी, रोज का धंधा हो लिया इसका। हवस भर रही इसके दिमाग में, हवस। चमेली चल खड़ी हो। अरनु बता, तू नहीं मान जाएगी? अकमा जैस मामले में पंचायत बैठानी पड़ेगी गांव में। ना जी ना, ऐसा काम मत करियो, सारे गांव में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं तुम्हें यकीन दिला रही हूँ, मैं आज के बाद राजू की जिंदगी में कभी नहीं आने की। मैं ना करती इस पर नो यकीन, जब तक यू गंगा जल लेकर हाथ में कसम ना खावे। लाओ गंगा जल। मैं गंगा जी की कसम खा के कह रही हूँ, मैं आज के बाद राजू की जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। फिर अब खड़ी हुई मारा मुंह के देख रही, जा अपने घर को। अब तो जी सर पर को पानी जा लिया, चमनुद्दीन तक जाकर राजू के रिश्ते की बात करी लो। भैया भाभी ठीक कह रही, चमनुद्दीन से कर लो फटाफट रिश्ते की बात। ठीक है, कर लूंगा चमनुद्दीन तक बात। अरे खुशबू। जी बाजी, तेरा मन तो लग रहा है ना गांव में? हाँ बाजी, मेरा तो बहुत मन लग रहा है। लो गर्मा गर्म चाय पियो ना। अच्छा ये बताओ, तुमने कपड़े धो दिए? कपड़े को सुखा दिया? अरे तो इतनी अच्छी धूप निकल रही है, जाके कपड़े सुखाओ। जा रहा हूँ। तुम भी बाजी। वो बाजी, मुझे बाजार जाना था। बाजार? बाजार क्यों जाएगी? वो बाजी, मुझे कुछ सामान लेके आना है। चल ठीक है, मैं भी चलती हूँ। बाजी वो तो ठीक है, पर लेकिन आज मुझे आपके हाथ के परांठे खाने हैं, वो भी आलू के। चल ठीक है, बना दूंगी। बाजी मेरा एक चीज का और मन कर रहा है। वो क्या? साड़ी पहनने का। अंदर अलमारी में कई सारी रखी हैं, जौन सी मन करे वो पहन ले। ठीक है बाजी। खुशबू, इंगा कहाँ जा रही? मैं तो थारे घर ही आऊं था। आज मैं थोड़ा खेत में घूमने जा रही। अच्छा खेत में जा रही, तेल लगा के? जो तू कहे, तू तो जा साइकिल पे बैठा के घुमा लूं खेत में। ना बाबा, मुझे ना बैठना इस खटारा साइकिल पे, मैं तो पैदल ही चली जाऊंगी। खुशबू आजा बैठ जाने, डंडे पे बैठा के घुमम्मा। ना मुझे ना बैठना तेरी साइकिल पे, इसे जाके कहीं कबाड़े में बैठिया। खुशबू तू साइकिल को छोड़, तू नु बता तेरी बाजी तो घर पे ही होगी। हाँ घर पे ही है बाजी, जाके उसका दिमाग चाट। अरे तू दिमाग की बात कर रही, मैं तो उसे सारी को चाट जाऊं, पर वो मौका तो ना दे रही। लबा घरू चलूं, केली पाओगी? घरू केली पाओगी? सलमा मैं आ रहा हूं। अरे
अरे आज कौन सा भूत सवार हो गया तुम्हारे ऊपर? रोज रात को तो तुम करवट बदल के सो जाते हो। अरे मेरी जान, तू भूत की बात कर रही? मैं तो खुद ही एक भूत हूँ। अरे मुरारी तू, मैंने सोचा चमनू है। मैं तो हूँ मेरी जान, तेरा मुरारी। छोड़ो, तुम मुझे जरूर मरवाओगे। सलमा कर लेना थोड़ा सा प्यार। सलमा सलमा, लगता है चमनू आ गया। चमनू आ गया, ले ले मुझे कहीं छुपा ले। छुप गया के मैं? इन्हें भैंसों को न्यार भी कर दिया, झाड़ू भी लगा दी। और बता मेरी लाग कुछ काम हो? अरे कमखत, तेरी मुंडी तो छुप रही है, पिछवाड़ा तो तेरा भार है। हाँ नू, तो तू ठीक कह रही, पर मैं कहाँ छुपूं? अरे ऐसा कर, ड्रम में कूद जा। बोली नहीं रही, पता नहीं कहाँ है, ले मैं ऊपर चल के देखूं। हाँ यू सही रहेगा। और बताओ जाने मन, मुझे क्या काम करना है? और तो कुछ काम है ही नहीं, और जो काम है वो तुम करते ही नहीं हो। जाने मन मैं समझा नहीं। तो समझेगा भी नहीं, जाके कहीं नौकरी कर ले, घर में पड़ा रहता है। जाने मन, घर में एक मर्द का रहना भी जरूरी है। मर्द का रहना जरूरी है, तुम्हारा नहीं। क्या मतलब था तुम्हारा, मैं समझा नहीं। मतलब ये है कि वो कट्टा उठाओ और दुकान से जाके 10 किलो आटा ले आओ, मैं चली दूध निकालने। वजन सा लग रहा, इसमें तो आटा है, इसका क्या करूं? एक काम करता हूं, इसे ड्रम में पलट दूं, बकरी की सानी करने के काम आएगा। अरे राम के बीज, फुटवा दी मेरी कोड़ी, तुझे भी यही जगह मिली थी। माफ कर दो, आज मैं मिठा खा के आ गया। राख चाट कर क्यों नहीं आया? घर जाके चाट लूंगा, मुझे माफ कर दे, घर जाके चाट लूंगा। मुझे छोड़ दे, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। पहले 500 का नोट निकाल और मेरी जेब में डाल। भूत भाई, भूत भाई, भूतों का पैसे से क्या काम? अरे मूर्ख, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे भूतों को और चुड़ैलों को दावत में बुलाना है। भूत भाई, भूत भाई, मेरे पास तो ये पप्पा बचा है, इसी से अपनी पार्टी कर लो। अरे मूर्ख, इसको अपने पिछवाड़े में डाल और 500 का एक नोट निकाल। पैसे ले गए मानोगे? छोटो के लिए? अरे बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे बचाए थे, खरीदने थे, ये लो अब छोड़ दो।
भूत भाई अब तो पैसे भी मिल गए, अब तो छोड़ दे। अब तू जा। हराम के बीज मुरारी के पैसे हजम करना कोई आसान बात ना। अरे भाई घर चलकर नहा लूं, कभी कुत्ता कत्ता काट ले। घूंघट में चांद का मुखड़ा एक सजन ललि चायो रे। घूंघट में चांद का मुखड़ा एक सजन ललि चायो रे। हारे थकी मैं अंगना में सोई, हारे थकी मैं अंगना में सोई, उंगली पकड़ के उठायो रे। घूंघट में चांद का मुखड़ा मुखड़ा एक सजन ललि चायो रे चायो रे। घूंघट में चांद का। अरे अब इस चुन्नी को रख भी दे, पता नहीं तेरी माँ ने तुझे क्या खा के पैदा किया है, मेरी ही किस्मत में लिखा था तू। अरे नाराज क्यों होती है मुई, ले उतार दी ले। लो ये दूध पी लो। मुझे नहीं पीना दूध, मैंने तो चाय पी रखी, तू ही पी ले इसे। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि खट्टी चीजों से परहेज करा करो, नहीं तो जैसे हो ना वैसे भी नहीं रहोगे। लो दूध पी लो। मुझे ना पीना दूध, तू ही पी ले। मैंने इसमें सिला जीत मिलाया है, चुपचाप पी ले इसे। अब तो मैं इसे बिल्कुल नहीं पीऊं, अब रात में कौन मर्द मेरी प्यास बुझाने आएगा। पहले तो अपनी प्यास बुझा ले, मेरी देखी जाएगी। बाहर में जा तू, मैं इसे पी लेती हूँ। चमन आजा मेरे पास, चमन आजा, मैं बोल रही हूँ आजा, आजा मेरे पास, मैं बोल रही हूँ आजा मेरे पास। ऐसे मत देख सलमा, मुझे डर लगता है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना वैसे कर, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगी। करना क्या है ये तो बता दे। उतार कपड़े। मैं नहीं उतारू। तेरा तो आज बाप भी कपड़े उतारेगा, उतार। अब जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा कर। हे खुदा ये क्या हो गया, मेरे तो तन से कपड़ा भी जुदा हो गया। सल माँ मुझे माफ कर दे। अबे साले मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मुझे सल माँ मत बोला कर, मेरा नाम सलमा है। चमनू मेरे प्यारे चमनू आजा मेरे पास। सोने दे मुझे, मुझे नींद आ रही है। अरे तेरे को सोना ही था तो मेरे से शादी क्यों करी। शादी मैंने जानबूझ कर थोड़ी की है, यू तो मेरे बाप की आखिरी इच्छा थी। मैं तुझे सुलाऊंगी, तुझे प्यार से लोरी गा के सुलाऊंगी। लोरी सुनाएगी। हाँ, लोरी लोरी सुनाऊंगी। सुना सुना सुनाओ ना। आई आई आए मेरी अम्मी, मेरी आपा, मेरी खाला। बिल्लू, ओ बिल्लू बेटे, बिल्लू। अरे ऊ के घर खड़ा हो ले। बिल्लू, ओ बिल्लू, आज मौका बहुत बढ़िया है बिल्लू, खोल दे जाके बिल्लू तेल लगा के। अरे मैं हूँ धनीराम। आज साहब फुल रेस्ट में है,
बाद में बात करेंगे। अरे कितना बढ़िया मौका खोरा, आज खुशबू खेत में खेली गई है तेल लगा के। ओए मत करे, चलवा गया ऐसे। अरे दिन में पीनी जरूरी थी के, आज बढ़िया मौका था थपेड़ने का खुशबू को तेल लगा के। अबे कौन है तू कबूतर की औलाद, चलवा गया ऐसे। देख देख कैसे कथे की ढाल लात मार रहा, साले दारू भी कहीं पड़ा रहे। आज खुशबू को मैं ही छेड़ूंगा तेल लगा के। कहाँ रहेगी यार, खुशबू आई नहीं। चलो इतना सरसों की खुशबू ले लूं। मजा आ गया। गुलाब का फूल तो है नहीं, खुशबू को सरसों का ही फूल दे दूंगा। आई नहीं पर उरत तेरी। अरे किसकी बहू है जो जंगलों में आदमी को टक्कर मारती फिर रही। अरे बड़ी खतरनाक लोग ये तो झंडे सारे करके ही खमा बुला रही। जा अपना हिला देख जाके, मैं अपनी डार्लिंग की बाढ़ देख रहा हूँ। अरे 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 तू मेरे ऊपर क्यों चढ़ी आ रही, जा कहीं और टक्कर मार ना। डर गए थे? अरे यार तन्ने तो मेरे प्राणी लिगाड़ दिए थे, मैंने सोची पता ना किसकी लुगाई मेरे गले में गल गई। वैसे एक बात बताऊं, तू साड़ी में लग बहुत प्यारी रही। अच्छा ले इसी बात पे मेरे प्यार का तोहफा कबूल कर। सरसों का फूल ही मिला, गुलाब का फूल ना ला सका? अरे यार खेतों में कहाँ धरे गुलाब के फूल, फिलहाल तो इसे ही गुलाब का और गेंदे का इसे ही मान ले। आ बैठ के प्यार भरी बात करेंगे। अच्छा एक बात बता खुशबू, तन्ने पहली मुलाकात में ही ऐसा क्या कर दिया, मेरी तो रातों की नींद गायब होगी, सही रहा सोया ना मैं रात। तू पागल हो गया? इसे भोले जाट को पागल भी तो तन्ने ही बनाया है, तन्ने तो पहली मुलाकात में ही मेरे दिल पर डाका गेर दिया। तेरी थाने में रिपोर्ट लिखवाऊंगा। अच्छा तू मेरे नाम की रिपोर्ट लिखवावेगा और मुझे जेल भिजवाओगा? मुझे जेल जाने की क्या जरूरत है, मैं तो तेरे ही प्यार में कैद होगी। तो मन ने भी तेरे नाम की मोहर अपने दिल पे कस के मार दी। अच्छा हाँ। अच्छा खुशबू एक बात बता, तुम्हारे गांव में और कितने दिन रहेगी? मैं तो पूरी जिंदगी रह लूं, कोई राखने वाला तो हो। अब तो मिल गया, तू एक काम कर मेरी गल मारे घर चल। ना ना नू ना जाने की, मैं ब्याह कर, ब्याह करके लेके चल। अरे ब्याह भी करके लेके जाऊंगा अगर घर वाले मान गए तो। और घर वाले ना माने तो? तो के कर रहा जल्दी बताना। तो तुझे भगा के कोर्ट मैरिज कर लूँ। ओए एक बात सुन ले कान खोल के, इतने ओछे खानदान की ना हूँ जो तेरी गल भाग के जाऊंगी और अपने घर वालों की नाक कटवाऊंगी। हाँ यू बात तो तू ठीक कह रही खुशबू, अच्छे खानदान के बालक कभी ऐसे गंदे काम नहीं करते जिनसे घर वालों का दिल टूटते। जब ही तो मैं कह रही, अब देख अगर तुझे मुझसे शादी करनी हो तो प्यार कर, ना तो फिर यही प्यार खत्म कर। तेरा रास्ता योरा, मेरा रास्ता योरा। अरे ब्याह तो मुझे तेरे से करना है खुशबू, तेरे बिना मेरे पे जिया जा रहा। अब देख नौकरी मेरी लगी नहीं, उम्र मेरी लिखड़ी जा रही, लोग मुझे ठलवा और कहने लगे। अच्छा तो अब मैं चलूं ठलवे? चल चल तू भी कह ले भाई ठलवा, पर जिस दिन ब्याह का अपने घर में लिया ना तुझे, तेरे पैसे रोज बनवाया करूंगा देसी घी का हलवा। अच्छा मुझे अब चलन दे, बहुत देर होगी। अरे यार तने तो ही बात कर दी, अभी आए अभी बैठे अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। तू तो एक दिन में शायर भी बन गया। अरे तू शायर की बात कर रही, तने तो एक दिन में मुझे पागल कर दिया। मिल गई। हाय अल्लाह। खुशबू बड़ी खुश हो रही है, कहाँ से आ रही है तेल लगा के? तुझे इस बात से के मतलब बुड्ढे, मैं कहीं आऊं कहीं जाऊं तू के धार ले वे। ए बुड्ढा ना कह दिए, उम्र भले ही मेरी 55 की हो दिल बचपन का है। अच्छा
तो इसका मतलब तू पूरा ठरकी है। तू मुझे कुछ ही कह ले, तेरी सब माफ है। तू एक काम कर ले, मेरी गैल सेटिंग कर ले, तेरी हर ढाल मौज कर दूंगा तेल लगा के। ओए ज्यादा बकवाद मत करे, ना तो तेरा पिछवाड़ा तोड़ दूंगी, फिर पड़ा रही है खाट पे तेल लगा के। तू राजू की गैल भी तो नैन मटक्का करे, थोड़ा सा प्यार मेरी गैल भी कर ले तेल लगा के। आज इसका इलाज ही बांध दू। अच्छा के नाम है तेरा? मेरा नाम धनी राम है, मैं प्रधान जी का मुनीम हूँ तेल लगा के। उस दिन तो बुग्गी में बैठाई थी ना, मुझे तेरता उसी दिन प्यार हो गया था। अच्छा धनी राम जी, अगर मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लूं, तो तुम मेरे लियो क्या क्या कर सको? मैं तेरे लियो चांद तारे तोड़ के ला सकूं तेल लगा के। अरे ठर की, तेरे पे नीम के पेड़े पे चढ़ के एक दातून तो तोड़ी ना जा, तू मेरी खतर चांद तारे तोड़ के ला देगा। अरे तू मेरी बात का यकीन कर, जो तू कह देगी वही कर दूंगा तेल लगा के। अच्छा तो कपड़े तार यही जोड़े में। हाँ जब प्यार किया तो डरना क्या, तार फटाफट। सारे तार पजम्मा का तेरा बापू तारेगा। अच्छा सारे तार दूं? हाँ ले। अरे रुक जा अभी नेकर मत तारे, और पहले कोड्डा हो जा। कोड्डा मैं होऊंगा? अरे हो तो सही, तुझे प्यार करना सिखाऊंगी। अच्छा आंख बंद कर ले। है कर ली है। आई मर गया, आई मर गया, आई जाके लौटिए पिछवाड़े पे तेल लगा के। अरे चमन, अरे कहाँ रह गया? चाय बना रहा है जब बीरबल की खिचड़ी, अभी तक चाय नहीं बना पाया। अरे आ जा। एक कप चाय बनाने में एक घंटा लगा दिया, इतनी देर में तो मैं 1000 आदमियों की चाय बना दूं। अरे डार्लिंग क्यों गरम हो रही हो, लो पियो ना गर्मा गर्म चाय। अरे इसमें इतना मीठा क्यों झोंक दिया, इतनी चीनी कौन डालता है इसमें? अरे शुगर करवा के मानेगा के? क्या हो गया आज ही तो ज्यादा डल गया, रोज तो मैं ठीक ही डालता हूँ ना। चमनू भाई अस्सलाम वालेकुम। अरे राम 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 राम, आओ श्याम भाई, खड़े क्यों हो, बैठो ना। और सुनाओ श्याम भाई, कैसे आना हुआ, कैसे रास्ता भूल गए? चमनू भाई आज मुझे तेरे तक कुछ स्पेशल काम है, इसलिए आया मैं। तो फिर चलो ना अंदर, स्पेशल काम करते हैं। ओ भाई मना जा रहा भीतर, मैं तो बारी ठीक हूँ। तुम चाय पियोगे? ना भाई मैं तो एक लोटा चाय पी गए भी। अरे खुशबू बहुत देर लगाई तूने आने में। वो बाजी मैं बाबा रामदेव के आसन करन लगी थी, नूवार होगी। अच्छा यह है खुशबू। अरे खुशबू नमस्ते कर, ये भी तेरे जीजा लगे हैं। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। चमनू भाई खुशबू तो वाकई में घनी सोनी है, प्योर माल है एकदम। बेटा खुशबू कहाँ लो पढ़ी तू? जी इंटर में पढ़ रही। अच्छा चमनू भाई बात ऐसी है, मैं अपने छोटे भाई के लिए थारी साड़ी का हाथ मंगाना आया। भाई शाम तुम खुशबू के हाथ की जगह मांग लो मारी खुशबू की टांग, हमें कोई एतराज नहीं। पर तुम हमें एक बात तो बताओ,
तम हिंदू हम मुसलमान, तो थारी मारी ताल कैसे लगेगी जी? मुझे ना करवानी अभी शादी वादी। तो फिर कद करवाओगी? उम्र ना हो रही तेरी करवाने की। शादी ना करवाओगी तो किसी के हल भाग के जावेगी। इनका भाई लाखों में एक है। लाखों में? वो करोड़ों में भी एक है ना। मुझे ना करवानी शादी। अरे मेरी लाडो, इनका भाई बहुत शरीफ है और कोई ऐप भी ना है उसमें। सारा गांव तारीफ करे है उसकी। हाँ बहुत पढ़ा लिखा भी है वो, मेहनती भी है, डबल MA कर रखी। तू तो इंटर में 3 साल से उलझी पड़ी। जीजू मैंने बोल दिया ना, मुझे नहीं करनी तो नहीं करनी। अरे चमनू भाई क्यों दबाव बना रहा? जीव इसकी मर्जी नहीं है, पर राजू इसकी घनी तारीफ कर रहा था। क्या तुम राजू के भाई हो? हाँ हूँ तो राजू का भाई, पर कोई बात नहीं, हम उसके लिए कोई और लड़की देख लगे। क्यों देख लोगे कोई और लड़की? क्यों नहीं करेंगे, जब तूने ब्याह को मना कर दी अपने भाई को रंडवा रखेंगे ये। क्यों रहेगा रंडवा, मैं करूंगी ना उससे शादी। आए जिनके दिल में प्यार बस है वे सो सो बहाने टोया करें। लगता है शर्मा गई। तो चमनू भाई फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं? बिल्कुल फेविकोल से भी पक्का। खुशबू के अब्बू मेरी बात गिरा ही नहीं सकते। ठीक है चमनू भाई, इम्मा चलूं। ठीक है, अच्छा भाई, राम राम। राम राम, राम जी। सलाम वालेकुम। राजू ला दूध पी ले। ला भाभी। भाभी भैया कहाँ है? भैया गए चमनू दीन के घर। चमनू दीन के काहे को? तेरे ब्याह की बात करन। मेरे ब्याह की बात? और के आ गए तुम, बनी कुछ बात? अरे भैया कैसे मुंह लटका के बैठ गए, बताते क्यों ना कुछ बात बनी क्या? नहीं बनी भाई राजू, बात बनी नहीं, तू दूध पी ले। बात हुई क्या साफ साफ बताओ? भाई खुशबू ने इस रिश्ते के लिए साफ मना कर दी, तू दूध पी ले। अरे फूक दे सोचे को, दूध को पी लूं बाद में, पहले नु बताओ वहां रिश्ते की मेरी हाँ हुई ना हुई क्लियर बताओ। भैया आपने मेरा नाम लिया था खुशबू के सामने? हाँ भाई, मन्ना बाद में तेरा नाम भी बताया, तू यू दूध पी ले। तब मेरे तो सलाह तो कर लेते जाने तो पहले, मैं तुम्हें अपना फोटो देके भेजता, राजू तो इस गांव में 10 हैं। हाँ भाई ये अभी मेरे तक गलती होगी, पर तू यू दूध तो पी ले। लड़की तो जी बड़ी सुंदर थी। ये तो तू सही कह, लड़की तो वाकई में लाखों में एक है। बताओ जी मारे राजू में के कमी थी जो छोरी ने मना कर दी? बताओ जी आप मुझे अपनी गैल लेकर चलते, चमनू दीन की बहू तो मैं अपने आप बात कर लेती, लुगाई की बात लुगाई जाना है, पता ना आपने कैसा बात करी होगी वहाँ। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें भाभी को लेकर जाना चाहिए था, तुम अकेले पंच बन के चले गए, बिगाड़िया है सारा काम। भैया उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दी। ना बिल्कुल मना ना करी। और भाई उनने इस महीने के लिए मना करी, वे अगले महीने करेगा तेरा ब्याह, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर तो मजा आ गया। हाय मेरे राजू और खुशबू की जोड़ी कितनी बढ़िया लगेगी। भाभी एक गिलास दूध और ला। दूध ना है और, वो तो बछड़ा चूंग गया था आज, दूध तो यूं ही था, इसमें ही सबर कर। चलो कल को पी लेंगे। इब तो भगवान ना चाह इस घर में बच्चों की बहुत जल्दी किलकारी गूंजेगी। मैं तो लड़का होगा तो उसका नाम चीकू धरूंगी। अरे बावली चीकू तो फल का नाम हो, कृष्णा रखा गे। चीकू कृष्णा धरा गे। चीकू कृष्णा। चीकू कृष्णा। चीकू। अरे चुप हो जाओ के, तुमने सींग से अड़ जा दिए, पहले मेरा ब्याह तो हो जान दो, भगवान ने चाहे के पता जुड़वाई बालक हो जा, एक का नाम चीकू धर दियो, एक का नाम कृष्णा। यह बात भी तू सही कह भाई, एक बात कहूं तो जाए भाई, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, कुछ काम धंधा देख ले। हाँ भाई कुछ ना कुछ देखो, हमें अब काम नौकरियों के लगो ना लगो कुछ बिजनेस कर लूंगा। हाँ राजू तेरे भैया सही कह रहे हैं, अगर तू कुछ काम धंधा नहीं करेगा इब तो जा काम वाले ठलवा के, फिर तो 4 दिन पीछे तेरी बहू भी तो जा ठलवा कहेगी। मेरे कमरे में लड़की बेवा यो आ गया मजा, पर ये तो सफाई करने वाली है छी,
पर कोई बात नहीं। अरे अच्छी सी नहीं मिली तो इससे काम चला लूंगा। अपना कौन सा कैरेक्टर है? भोग में गुल्लर पकवान आ जाए। ए सुन। जी साहब जी। क्या नाम है तेरा? बिजली। यहाँ इधर बैठ। अरे साहब जी मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ? अरे बैठ तो। अरे वाह, तू तो वाकई बिजली गिराने वाली चीज है। थोड़ा मेरे करीब है। ये क्या कर रहे हो साहब जी? जो करने की चीज हो ना बिजली वो कर रहा हूँ मैं। जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ बिजली। और मैं फ्री में मौज नहीं करूँ, तेरी भी मौज कर दूंगा। आजा। हम गरीब जरूर हैं, मगर मेहनत करके खावे। हम पैसों के ऊपर अपनी इज्जत नहीं बेचते। बिजली आज तो मैं तुझे हासिल करके ही रहूंगा। बहुत दिन हो गए इस गांव में आए, सुख की नदी की ढाल पड़ा हूँ। छोड़ दो साहब जी छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। अरे हाथ में आए शिकार को कैसे छोड़ दूँ? छोड़ो, मैं तुम्हारी प्रधान जी से शिकायत करूंगी। अरे तू प्रधान को छोड़, विधायक को बता दिए। बस दो मिनट चुप हो जा। दो मिनट देते मुझे। छोड़ो मुझे छोड़ो, बचाओ 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 बचाओ। अरे बेटा बिल्लू, यू क्या कर रहा है तू? इस बेचारी को क्यों रगड़ रहा है तेल लगा के? अरे मुनीम जी, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाओ, मेरे रंग में भंग मत डालो। मैं तो चला जाऊंगा, पर प्रधान जी भी तो इधर ही आन लग रहे हैं। क्या जल्दी आन लग रहे? आन दो प्रधान जी को, तुम्हारी सारी शिकायत करूंगी। ना ना बिजली, ऐसा ना करा करते, इसमें तेरी भी तो बदनामी हो जाएगी तेल लगा के। हो जाना होवेगी तो इसे भी तो कल आ जाएगी। तू एक बात बता बिजली, इस घटना को सुन के क्या प्रधान जी तुझे नौकरी पर रख लेंगे या तेरे घर वाले तुझे यहाँ काम पे भेज देंगे? तेरा काम छूट जाएगा बिजली तेल लगा के। हाँ तू एक काम कर, चल लेकर लेकर जल्दी कर। जीजा जी आने लग रहे, जा देख रही है। अरे मुंशी जी जीजा जी आने लग रहे, लगो तू कहाँ जा। अरे बेटा बिल्लू तू ऐसी हरकत मत करा कर। अरे क्या करूं मुनीम जी, साली पे दिल आ गया था। पर नु बताओ जीजा जी कहाँ है? अरे प्रधान जी नहीं आ रहे, मैंने तो तेरे तो झूठ बोला था। जो मैं झूठ ना बोलता तो तू उस बिजली का सारा करंटी ना काट देता तेल लगा के। मैंने जो करा वो सोच समझ के ठीक करा। तुझे पता तू इस गांव में किस मकसद से रुका हुआ तेल लगा के? मुनीम जी मुझे मेरा मकसद याद है। धनी राम जी तुम बस उस हरामजादी पर नजर रखो। अरे बिल्लू उस पर तो नजर है, पर उसकी एक बहन और आई हुई है, बहुत सुंदर है तेल लगा के। तो कभी तुमने उसकी जवानी दिखाई नहीं मुझे? अरे मैं जवानी दिखाने आया तो था उस दिन तेर धोरे, तन्ने घनी शराब पी रखी थी, उस दिन मौका था चौका मार देता तेल लगा के। तो मुनीम जी अब ध्यान रखियो उसका, अब की बार मौका नहीं चुकूं। अरे एक नहीं अब के दो दो शिकार करने हैं तेल लगा के। हाँ। मैं चलूं। ठीक है तू जा और मैं। ओ मेरे दिल ने कर गया घाल यू तेरा प्यार सबो, होए तीर नजर का होया जिगर के। ए सलमा तू बाहर को खड़ी, और इतनी लंबी कैसे होगी? ओ जूते पहन रही। हाँ मैं नहीं तो कह रहा, भीतर चल। तू बाहर क्यों खड़ी? चमनू तो ना है घर में, तो चल भीतर को। अरे रुक जा देख तो लूं, कोई देख तो नहीं रहा। एक बार और। अरे मेरी प्यारी अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखा दे। मैं तो समझा तू है मेरी सलमा, पर तू तो निकला उसका बलमा। अरे मुए तू बहुत सलमा सलमा करता है, आज मैं तेरा कलमा पढ़ दूंगा। चल अंदर। अंदर अंदर क्या है? दूध में देसी घी गेर के पियम्मा। चल अंदर। देसी घी? और मैं तो नु कह रहा जी देसी घी और दूध यही मंगवा लो ना। देसी घी में निगड़ू दूध मिला का अंदर पियम्मा। चल। अरे भाई चमरुद्दीन तू क्वाड को बंद कर रहा। शूटिंग करेंगे।
शूटिंग कहे की शूटिंग सुहागरात की। अरे भाई तेरे पे तेरी सलमा की गैल तो सुहागरात मनाई नहीं गई, तू मेरी गैल मनाओगा सुहागरात? तेरी गैल नहीं मनाऊ, अरे अपनी गैल मनवाऊंगा। अरे भाई के जी मैं, अरे भाई चमरुद्दीन तेरे सिला जीत तो ना खाली, पूरा सेक्सी बम हो रहा फटाका के मेरे ऊपर। अरे सुन दो भाई, सुन दो। तू नहीं मानने का? तन्ने मेरे पे हाथ ठाया, आज तक मेरी सलमा ने मेरे पे हाथ नहीं ठाया, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी तो छोड़ दे। साले तुझे फिर किसी दिन देखूंगा। बेटे आज तो बच गया, फिर किसी दिन मिलेगा। बिजली तू चिंता मत करे, तेरी जो प्रॉब्लम है बता, हम समाधान करेंगे। ठीक प्रधान जी। राम राम। राम राम। कैसे आप रहे हैं बैठ? खेतों का काम सही चल रहा है मुनीम जी? हाँ प्रधान जी, रोजाना मजदूर जा रहे हैं, दो चार दिन में खेतों का काम पूरा हो जाएगा तेल लगा के। हाँ बिजली तू बता तेरी क्या समस्या थी? प्रधान जी मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई, बहु बेकार आ गई, चार दिन रुकी हमारी सोना चांदी की सब चीज लेके अपने घर भग गई और वहाँ से हमारे ऊपर केस और कर दिया। किस चीज का केस कर दिया? दहेज का। प्रधान जी अब तुम ही कुछ फैसला करो, कोर्ट कचहरी में तो बहुत पैसे लग रहे। बिजली तुम्हारे घर में नौकरी कर रही है, जितने पैसे चाहिए मुनीम से ले लियो, और रही तेरी केस की बात उसे भी सुलटेंगे। प्रधान जी मैंने मुंशी जी से मांगे थे, मुंशी जी ने मना कर दी। प्रधान जी इसने पैसे मांगे थे, मन ने देने भी चाहे, इसने लिया ही ना तेल लगा के। प्रधान जी 5,000 रुपए कमीशन के मांग रहा था। मुनीम जी ये क्या सुन रहा हूँ मैं? प्रधान जी झूठ बोल रही है यू, सफेद झूठ, मैंने तो आज तक किसी से कमीशन लिया ही नहीं तेल लगा के। प्रधान जी तुम तो 1% ब्याज लो और यू 5% खावे। मुनीम जी तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, मुझे जरूरत ना तेरे जैसे नौकर की, मुझे ईमानदार आदमी चाहिए, समझ गया? प्रधान जी गलती होगी, प्रधान जी मुझे माफ कर दो, मेरे तो बहुत बड़ी गलती होगी प्रधान जी, आज के बाद मैं कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा प्रधान जी तेल लगा के। प्रधान जी चल खड़े हो ऊपर बैठ, आज के बाद कोई भी शिकायत मिलगी ना तो अपना मुंह मत दिखाइए मुझे, और जब भी बिजली को पैसे चाहिए ना तो बगैर ब्याज के पैसे देने इसको, समझ गया? बिजली तुझे जब भी पैसों की जरूरत पड़े, दिन में या रात में, तू चुपचाप आ जाइए मेरे धुरे तेल लगा के। चमनो लगता है ऊपर है। चमनो बर्तन भी अभी ऐसे ही पड़े हैं। इसके आज अगर मैंने झाड़ू ना बजाई तो मेरा नाम भी सलमा नहीं। आज आने दो उस कमबख्त मारे को, आज तो इसे मैं बहुत मारूंगी। अल्लाह मियां क्यों लिख दिया मेरे नसीब में जमूरे को, कीड़े पड़ेंगे उस बिचौलिए को जिसने इससे मेरा निकाह करा दिया। बस एक मुरारी है जो काटता है मेरी बीमारी, पता नहीं इस वक्त कहाँ होगा मेरा मुरारी। ले आ गया तेरा मुरारी। अरे मुरारी तू एकदम से यहाँ कैसे आ गया? मुझे इन हवाओं के झोंकों ने बताया, अख बेटा मुरारी तेरी सलमा प्यारी तजे बुलारी, मैं बिना पंख के उड़का आ गया, बोल के हाल है तेरे? मुझे ना तेरी याद आ रही थी। मुझे भी तेरी याद आ रही थी, इब तू विलम्ब ना करे, मेरी छाती का लग के मेरी आत्मा सेली कर दे। अरे पागल है क्या, यहाँ चौड़े में ही मरवावेगा क्या? चमनू आ गया तो
तू एक बात तो बता, तू चमनू तो डरे? नहीं। तो फिर प्यार किया तो डरना क्या? आए हाय। अरे हराम जादी कलमुई लुच्ची, चोड़े में ही कर रही रोमांस। भाभी इब बहुत हो गया, इब छोड़ दो मुझे। अरे नहीं नहीं, जब तक जी भर के प्यार नहीं करूंगी तब तक नहीं छोड़ूंगी। भाभी चमन। अरे किसका नाम मेरा कम मखत? भाभी चमन आ गया तो? अरे आने दे चमन को, मैं उसके बाप से भी नहीं डरती। अरे भाभी चमन। अरे भाड़ में गया चमन। अच्छा इतना प्यार कर रहा है तू मेरे से? हाँ बहुत प्यार करती हूँ। और फिर चमन का क्या होगा? अरे भाड़ में जान दे उसे, तू चुपचाप खड़ा रह। अच्छा मैं भाड़ में जाऊँ और तुम दोनों मौज लेओगे? चमनुद्दीन तुम इस अपनी खल्ला से मिलने को तो तू कदियो भगिया वे, मेरे से मिलने तो कभी ना आया तू मुए। आ मुझसे मिलना। अरे भाई छोड़ 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 हट बोले। और तू, मैं लिगाड़वा तेरे दिमाग में से इश्क का भूत। तो तू मुझे मारेगा? हाँ मारूंगा। तू मारेगा मुझे? हाँ मैं मारूंगा। ले मार साली। ओरे मर गया, ओरे मर गया, ओरे ओरे मर गया, ओरे मर गया, ओरे मर गया। आए, अरे मेरी खाला, मेरी अम्मी, मेरी आपा, मुझे माफ कर दे। मारेगा? नहीं अम्मी कभी नहीं, मेरी आपा, मेरी खाला, मेरी बाजी कभी नहीं। अब कुछ कहेगा तो नहीं? कभी कुछ नहीं कहूंगा बाजी। ए भुंडे थोपड़े की, तुझे दिखता ना कोई जाल लग रहा? तेरे माथे में ऐंकना है काली माता? दो मिनट रुक ना सकती तू? तुझे दिखना ना हमें मंदिर जाल लग रही? तू मंदिर में जा, मस्जिद में जा या गिरजा घर में जा, मुझे क्या मतलब? मेरी झाड़ू मेरी मर्जी, मैं तो नहीं लगाऊंगी। मुंडे थोपड़े की झाड़ू तो मैं तेरी भी लगवा देती जो मुझे मंदिर में ना जाना होता। चुपकी हो जाना तो तेरा भी मुंह पीट दूंगी मैं यहीं। तू पिटेगी मुझे? तेरी चुटिया पकड़ के यही देखा नहीं मारा ना तो मेरा नाम भी चमेली नहीं। अः मेरी सुसरी, जो तेरा मारा लगी ना या तेरा ऊपर बैठ गई यहीं, तेरा गोबर सा काट दूंगी घर में ही। इतनी कमजोर ना मानी मुझे, माल खाऊं मैं माल? ए मजा पता तू किस किस का माल खावे है? और तू तो मेरे देवर का भी खा लेती जो मैं टाइम बनाती। तू राजू से मिलने से कब तक रोकेगी? मैं तो घर ना मिलूंगी, बाहर मिल लूंगी। ए लंका राजू के बारे में तो अपने दिमाग में भी ना सोचिए, ना तो वो हाल करूंगी तेरा जिंदगी भर याद रखेगी। तो कर दिया तड़की तड़क मूड खराब। बन रही बड़ी भगत नहीं, रोक लिया मुझे। क्या हाल है राजू मेरी जान? मर गया तेरा राजू, अब मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी, जा। अरे क्या हुआ, क्या बात हो गई? अच्छा अब तो नहीं बतानी पड़ेगी बात क्या हुई, जा चली जा परे जा। तू आज इतना गुस्सा क्यों कर रहा? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैं तो तेरे लिए इतने प्यार से खीर बना के लाई। इसे खीर को उसी जगह खुवा दे जिसकी गैल तन्ने अपना रिश्ता करवाने की हाँ करी। तू मेरा दिमाग तो खराब करे मत ना, साफ साफ बता दे बात क्या होगी। कल थारे घरों एक आदमी तेरा रिश्ता लेकर आया था। हाँ। और तन्ने उस रिश्ते की हाँ भी भर दी। हाँ तो वो तेरा ही तो भाई था। तुझे कैसे पता वो मेरा भाई था? वो ही कह रहा था कि मैं राजू का भाई हूँ। राजू नाम के लड़के इस गाँव में 50 है, कौन से राजू के चक्कर में फंस गई तू? हाय अल्लाह मैं क्या करूं? करना के उससे ब्याह कर और 10-12 बालक बना। यू तो मेरे साथ धोखा हो गया। धोखा ना होया, तेरे अंदर लालच आ गया। राजू नाम के लड़के इस गांव में 2-3 तो ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, उनके चक्कर में फंसी है तू भी। राजू मैं पैसे की लालची ना हूँ, मैं तो तुझसे बहुत घना प्यार करूँ और मैं तो तेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, ब्याह तो बहुत दूर की बात है। अच्छा तो तू इतना घना प्यार करे मेरे ते? हाँ
अपनी जान से भी ज्यादा है। तो सच तो यू है, जो तेरे घरों रिश्ता लेकर गया था वो मेरा ही तो भाई था। अच्छा बच्चू, चल मैं ना खुआती तुझे खीर। अरे यार, जब इतने प्यार से लाई है तो खीर खुआ, ऐसी क्या बात है। पर न्यू बता, तू आज खीर ही बना क्यों लाई मेरे लिए, और चीज क्यों ना लाई? अरे बुद्धू, आज हमारी ईद है। ओ भाई, मुझे नहीं पता था आज थारी ईद है। चल तो तुझे ईद की मुबारकबाद दे दूं, गले मिलके आ जाओ रे को। हाय अल्लाह, गले मिल रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे मिला गले? और कैसे मिले तू बता दे। ऐसे मिले गले। मैं दिल ते चाहूं सोतने, बात आप की मान लिए। चल ठीक है, देखता हूँ तन्ने कैसे खीर बनाई है, पकड़। अरे इसमें तो माल भी बहुत गेर के लाई। मारी ईद पे ऐसी बने, ले तो आधी तोखा पहले। ईद मुबारक। तुम्हें भी ईद मुबारक। इसमें तो मिठाई ना, मैंने तो ठीक डाला था, तुम्हारे हिसाब से कम रह गया होगा। मिठे की पूर्ति तो अभी हो जाएगी एक मिनट में। वो कैसे? अभी बता रहा हूँ, दिखा। मलिका जाए तेरा यौवन छलका, मेरे सपनों की तू है रानी। मेरे सपनों के राजा, जरा मेरे पास आ जा, तुझे दिल अपना दूंगी दिल जानी। तेरा साजन ये सजनी तेरा जीवन, हाँ तेरा साजन ये सजनी तेरा जीवन। सारा संवार देगा, सारा संवार। आजा ईद मना ले, गले से लगा ले। आजा ईद मना ले, गले से लगा ले। आजा ईद मना ले, गले से लगा ले। तरसाऊंगा मैं, प्यार बरसाऊंगा मैं, कभी तुझसे ना करूंगा लड़ाई। गर आया कभी जो मुझे गुस्सा, गर आया कभी जो मुझे गुस्सा, तू खियां झेप लेगा, तू खियां झेप लेगा। मेरा दिल तेरे प्यार का है मारा, सनम तुझे प्यार देगा। आजा ईद मना ले, गले से लगा ले। आजा ईद मना ले, गले से लगा ले। आजा ईद मना ले, गले से लगा ले।
और बताओ राजू, तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ बाप तो बचपन में गुजर गए थे, अब तो बस मैं हूँ, बड़े भैया हैं और भाभी है। और बच्चे? बच्चे भाभी के हुए नहीं, खूब इलाज विलाज भी करवाया, फिर भाभी कहने लगी क्या करना है बच्चे का, मैं तो अपने देवर को ही बच्चा समझ के पाल लूंगी, बहुत प्यार करे मेरी भाभी मेरे से। तेरे घर में कौन कौन है खुशबू? मेरे घर में मैं हूँ, और मेरी अम्मी है, और मेरे अब्बू हैं, और मेरे चाचा जान हैं। और तुम काम क्या करते हो राजू? अभी तो कुछ ना कर रहा, फिलहाल तो भैया की गैली खेती बाड़ी में हाथ बटा रहा हूँ। लेकिन राजू नौकरी भी जरूरी है। अरे लग जाएगी नौकरी भी, किसी को पहले नौकरी मिल जा बाद में छोकरी मिले, मुझे पहले छोकरी मिल गई अब नौकरी भी लग जाएगी। अच्छा एक बात बता खुशबू, तू मेरी गैल निकाह करवाओगी या साथ फेरे लेवेगी? मैं क्यों करवाऊंगी निकाह, मैं तो तेरे साथ सात फेरे लूंगी और सातों जन्म तेरा साथ निभाऊंगी। अच्छा राजू अब मैं चलूं, बहुत रात होगी। अरे यार ऐसे कैसे चली जाएगी, अभी तो मैंने प्यार की शुरुआत भी ना करी। राजू प्यार करेंगे शादी के बाद। और उससे पहले क्या करूं? सबर करो, सबर का फल मीठा होता है। हमें ससुराल आज तक नहीं पता चला ये सबर का फल कौन से पेड़ पे लगे। ये कहावत होती है। चलो मैं अब चल रही हूँ। अच्छा इसकी भाभी तो गई मंदिर, और इसका भैया होगा खेत में, और घर पर राजू अकेला होगा। ओए होए अकेला ही सो रहा मेरा राजकुमार, एक बार मुंह हाथ धो के आ जाऊं फिर करूंगी तेरे से जी भर के प्यार। ले भाई एक ही राजू खावे और सोए। राजू भाई खड़ा हो जा, नू देख के टाइम हो लिया। अरे भैया सोने देना थोड़ी देर। भाई तेरे भीतर नहीं शर्म ली आज, खड़ा हो। मैं पूरी रात तू पानी चला के भी आ लिया और तू बिलो सो रहा। भैया थोड़ी देर हो सोन दे। ओ भाई ऐसा ना करे, देख तेरा पेट भी बार को लिगड़न लग रहा। ओ मम्मा रेस मारिया जाकर कुछ माड़ी मोटी शर्म ली आज कर ले, देख सूरज कहाँ चढ़ लिया। ईसा कुछ काम ही ना आया, ये फावड़ा ले जा भीतर दर्द है और रेस मारिया। अरे मर गया रातू दे टूट गई। अरे मर गया रे, अरे खा लिया, अरे मर गया रे, अरे कौन है, अरे हटिए, अरे मर गया रे, अरे खा लिया, अरे मर गया रे। अरे चमेली तू? भाई साहब आप, यहाँ तो राजू सो रहा था, अरे तुम कहाँ से आ गई? मैं तो खेत में था, पर तू नू बता यहाँ राजू दोरा सोना आई थी तू? वो तो मैं राजू गैल थोड़ा सा मजाक करने आई थी। अच्छा ऐसा हो मजाक, तन्ने बावड़ी गादड़ी की डाल मेरा मुंह भमोड़ के गिर दिया। सॉरी पर यो बात गीता दीदी को मत बताइयो। अच्छा गीता को यह बात बता के मुझे अपनी छाती में गोली लगवानी? इब खड़ी खड़ी के मेरा मुंह देख रही गीता आने वाली हो रही, तावड़ी भाग जा दन्नु का टाइम खराब आ जाएगा। अरे सुनिए। हाँ ये चप्पल तो ले जा, यही बजवाओगी के मेरे सिर पे। सॉरी सॉरी सॉरी। खरा बला हो भाई। मेरी सुसरी तेरा दूध तो पिया वो कलमुई सलमा, काम करे उसका बलमा, तुझे साली किसी दिन कसाईयों का कटवा दूंगा, ना रहेगी भैंस ना ठाना पड़ेगा गोबर।
अरे ओ कमबख्त, यहाँ क्यों मुंह फुला के बैठा है? मैंने दूध गर्म कर दिया है, जा जाके दूध पी ले और हाथ मुंह धो ले। मैं नहीं पीऊं, जाके अपना दूध अपने मुरारी को पिया ले, जा। अरे अब मुंह मत फुलाओ, चलो उठो आओ। बैठो। बात सुनो, सारी गलती ना मेरी नहीं थी, ये जो भी कांड हुआ ना उसमें गलती मुरारी की थी। उसने ना मुझे अपनी मीठी मीठी बात में फंसा लिया, बड़े बड़े सपने दिखाए, इसलिए मैं फंस गई। लेकिन मुझे ना तुम भी अच्छे लगते हो, सारी दुनिया में ना तुमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं मेरे चमनुद्दीन। अरे रहन दे, क्यों तेरी चरित्र दिखा रही, मेरा चूतिया बना रही। जो मैं तुझे सबसे अच्छा लगता तो तू मुंह मारती ना। मैंने तुम्हें मुरारी के साथ उसकी छाती से चिपके हुए देखा और ऐसे चिपक रही थी जैसे दीवार पर चिपक ली। गलती हो गई चमनू, मुझे माफ कर दो। घर का सारा काम ना ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैं घर का सारा काम करते करते ना परेशान हो गई हूँ। मैं तुझे एक शर्त पे माफ कर सकूं, जो तू उसे अपने यार को यहाँ बुला के और उसके हाथ में राखी बांध के और यू गाना गावे, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, जब माफ कर सकूं। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं यहाँ बुलाती हूँ मुरारी को और उसके राखी बांधती हूँ। तो फोन करके बुलाओ उस मुरारी को यहाँ। अभी बुलाती हूँ। मुरारी एक सेकंड में मेरे घर पहुँच। क्या हुक्म है मेरी आकी? अरे तेरी बहन का मुरारी मारू मेरी सुसरी के स्पीड के मामले में तो तूने चंद्रयान 3 की मिसाइल भी फेल कर दी। अरे भाई चमनुद्दीन, तुझे प्यार की ताकत का अंदाजा नहीं है। प्यार में आदमी एक सेकंड में 100 समुंदर पार पहुंच सके, मैं तो एक गली पार करके आया। आज के बाद नहीं कर पाएगा। के मतलब? आ जा इधर को, आ जा यहाँ बैठ। सलमा जा इसके लिए गिफ्ट लेगा। गिफ्ट? भाई वाह मजा आ जाएगा, आज लो मुझे गिफ्ट किसी ने भी ना दिया। हम देंगे, जा सलमा लेगा। तावड़ी आई है। अरे भाई ये गिफ्ट है बता दे। शांति रख, सरप्राइज है, थोड़ा सा सबर कर। सलमा कहाँ है गिफ्ट? यू कैसा गिफ्ट है? ये राखी का धागा है। राखी का धागा? इसका क्या करेगी? इसे मैं तेरे बांधूंगी। सलमा तेरा मेरा फ्रेंडशिप का रिश्ता है, मेरे पे जुलम ना करे, मैं तेरा हाथ जोड़ू। क्या करूं मुरारी, मेरी मजबूरी है, मुझे अपना घर भी तो बचाना है। मैं नहीं बंधवाने का राखी वाखी। अरे तेरी बहन का आशिक मारू तेरी, साले तू तो तेरा बाप भी बंधवाएगा। कर रहा था क्यों नहीं कर? ले भाई बांध लो। भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मोरे प्यारी बहन को ना भुलाना, भैया मोरे। अरे खुशबू, तेरा मन तो लग रहा है गांव में। हाँ बाजी, मन तो मेरा बहुत लगता है, तभी तो मैं यहीं आती हूँ। बाजी कहाँ काटोगी घास? देखूंगी जहाँ भी जगह मिल जाए। बाजी आज मैं भी काटूंगी घास। तू घास काटेगी? अरे तुम मेहमान है हमारी, तुझसे क्या घास कटवाएंगे? मैं नू कहूँ, आज दोनों की जोड़ी कहाँ चली तेल लगा के? अरे वो खेत में जा रहे हैं भैंस के लिए घास काटने। आओ मुनीम जी तुम भी चलो खेत में। ना 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 ना, ना। उस दिन की घटना में भूलना ना हूँ, मैं तो अपने घरों ही पड़ा रहूंगा तेल लगा के। अरे मुनीम जी, प्रधान जी का साला वापिस चला गया क्या गाँव? हाँ उसे तो प्रधान जी ने जब भी भगा दिया था तेल लगा के। तुम जाओ खेत में, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलूं। अच्छा वो चला गया, गंदी नाली का कीड़ा। कौन था बाजी? अरे था एक बदतमीज, उसने ना मेरी इज्जत पे हाथ डाला था। नाम के है उसका? बिल्लू चौधरी, यही नाम है उस कमीने का। तो तुमने उसके कान के नीचे चप्पल न मारी? एक दिया एक थप्पड़ मैंने उसको। यू सही करा बाजी। हाँ।
अरे बेटा बिल्लू, धुआं उड़ाना बंद कर, आज तो आग लगाने का दिन है, आग लगाने का। वो कैसे मुनीम जी? अरे वो हरामजादी चमनू की घरवाली अपनी जवान बहन को लेकर खेतों में गई है तेल लगा के। एक तीर से दो निशाने, तभी तो कहूं मैं धनी राम, मुझे आज सुबह रहते हिचकी क्यों आ रही है? अरे बेटे, उसने तेरे मुंह पे चांटा मारा था, मैं भुल्ला ना हूं, कैसे थूक के गई थी तेरी उड़कू। मुनीम जी, आज मैं उसका इतना बुरा हाल करूंगा, इतना बुरा हाल करूंगा, वह थूकना तो के मूतना भी भूल जागी। गया साला हरामी अपनी बुआ के धोरे, मैं भी चलू, अभी थोड़ी और आग लगानी बाकी है। अरे बच्चे 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 अरे तोड़ दिया मेरा पाचा रे, मर गया, अरे मार दिया रे। गलती होगी धनी राम जी, ब्रेक नहीं थे इसमें। अरे इस मेरी सुसरी में ब्रेक लगवा ले तेल लगा के। अरे मुनीम जी, क्यों चिलत्तर भर रहा, कहीं ना तेरे ऊपर योगी का बुलडोजर चढ़ गया। अरे बात ब्रेक की, ब्रेक भी सही करवा लूंगा, पर तू तो बता गांव के क्या हाल चल रहे। तो सुन आज का ताजा समाचार, तेरी सेटिंग सलमा और उसकी बहन खुशबू की इज्जत खतरे में है तेल लगा के। वो कैसे? वे दोनों आज खेत में गई है और उनके पीछे गया है प्रधान का साला बिल्लू, आज तो बिल्लू उन दोनों की ढपली बजाओगा तेल लगा के। प्रधान को देखो कहाँ है। वो तो नेटवर्क ना रे, कहीं और जाके देखो। प्रमुख जी, एक गांव में बहुत ज्यादा शराबी थे, गांव वाले सारे उनसे परेशान हो गए, कितने शराबी बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। गांव में एक डॉक्टर की टीम लेके आए, डॉक्टर बोले कि भाई हमें दो बाल्टी चाहिए। बोला ठीक है जी, एक में दारू भर दो और दूसरे में भर दो पानी। वही कर दिया उन्होंने, तो एक में पूरी दारू की भर दी बाल्टी, दूसरी भर दी पानी की। डॉक्टर बोले भाई एक गधा और लेके आओ। हैं? डॉक्टर साहब गधे का क्या करोगे? अरे तुम लेके तो आओ। गधा भी ले आए, बोला छोड़ दो बाल्टियों के पास। तो प्रमुख जी गधा छोड़ दिया बाल्टियों के पास, गधा गया दारू को सूंघा तो पी नहीं उसने दारू, और फिर गया पानी के पास, पानी पूरा ही पी गया। डॉक्टर बोले हाँ भी शराबी हो, तुमने इस गधे से कुछ शिक्षा ली? सब चुप हो गए। एक जो तगड़ा शराबी था वो उठकर बोला जी मैं बताऊंगा। बोला बेटा तू बता। बोला जी इस संसार में जो लोग शराब नहीं पीते वे सब गधे हैं। प्रधान जी राम राम। हाँ राम राम, और क्या समाचार अमुनीम जी? समाचार ये है, आपका लाडला साला आज फिर सलमा और उसकी बहन खुशबू के साथ हनीमून मनाने गया है खेत में तेल लगा के। हैं? क्या बकवास कर रहा है? ड्राइवर गाड़ी निकाल। अरे तुम क्यों बैठे हो, जाएगा चमनू तक कह दो, और तेरी लुगाई की और साली की इज्जत लूटन लग रही है खेत में तेल लगा के। चल भाई जल्दी चल। प्रमुख साहब तुम भी राजू के द्वारा फोन कर दो, वो तेरे भी आते पहले ही तेरी घरवाली की गैल हनीमून मनन लग रहा खेत में तेल लगा के। हाँ मुरारी बोल। प्रधान जी तुम कहाँ सो रहे हो, सारे खेत में सारे साले ने कांड कर दिया। अरे वहीं तो जाने लग रहे हैं भाई हम। हाँ तो मजे भी ले लिया अपनी गैल, यही खड़ा मोड़ हाँ, ले लेंगे ले लेंगे। अरे ड्राइवर को बुला ले। ड्राइवर आजा भाई। बाजी तुम तो घनी दूर आओ घास लेने। क्या करे बहन, भैंस के चारे के लिए आना पड़ता है, अब भैंस दूध देगी दूध बिकेगा तभी तो हमारा घर चलेगा। ठीक कह रही हो बाजी, गरीबों का घर तो ऐसे चले। क्या करे बहन मजबूरी है। मजबूरी तो तेरी आज दूर कर गयो बिल्लू चौधरी। कमीने तू यहाँ, तू तो अपने गांव चला गया था। तू मुझे चूते मान रही, जब तक मैं अपना बदला नहीं लूंगा ना ऐसे ही चला जाऊंगा। जब तक खोदनी देगा तेरा बिल्लू तब तक कहीं नहीं जागा यो बिल्लू। हाँ आजा मेरी बाहों में आजा। हराम जादे आगे मत बढ़ियो,
नहीं तो इस दराती से ना तेरी नार काट दूंगी। आज तू दाती चला या तलवार, आज तो मैं करके ही जाऊंगा तेरे तो प्यार। छोड़ छोड़ कुत्ते, छोड़ मेरी बाजी को, छोड़ कुत्ते, छोड़। खुशबू अपने जीजा को कॉल कर। हाँ ठीक है बाजी। छोड़ मुझे, छोड़ दे मुझे कुत्ते, छोड़ दे। छोड़ दे मुझे कमीने। खुशबू जल्दी फोन मिला अपने जीजा को। बुला बुला जी से बुलाना, आज नहीं छोड़ दूंगा तुझे। खुशबू मिला नहीं फोन क्या? बाजी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा है। अरे तो आगे जाके कर ले। तू किसी को कर ले, आज तुझे छोड़ दूंगा नहीं मैं। छोड़ दे मुझे, दूर हट जा कमीने। दूर हटने के लिए थोड़ा ही पकड़ी है, आज तेरा पूरा कांड करूंगा इसलिए जकड़ी है। मेरी जान है नाड़ा, तुझे बताऊंगा आज। खींच ले बेटा, कितना खींचेगा? अच्छा बाल गई, इतना बड़ा नाड़ा, नाड़ा है द्रौपदी की साड़ी। इस तो दुशासन भी थक गया था, मैं भी थक गया। मेरे डोके सुध लिए, ये रेप करूंगा मैं। छोड़ नाड़े को, ऐसे बताओ तुझे आज। अरे कैसे छोड़ दूं मेरी जान। हट कुत्ते। अरे तेरी बाण का फुलन देवी मारूं, गुद्दी सुझा दी। अरे पर यो क्या, मैं तो पुराना लिफाफा फाड़न लग रहा या नवी चिट्ठी मेरे सामने खड़ी है। भाग खुशबू। अरे ऐसे कैसे भाग जागी? अच्छा हुआ आज मैंने बड़े नारे वाली सलवार पहन रखी थी, नहीं तो मैं अपने मुरारे को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। अरे खुशबू। यार यो आदमी फिर मेरी जिंदगी में आ गया, क्यों तन्ने मुझे दुखी कर रखा? अरे हराम के पिल्ले, चलो सलमा की बात तो अलग थी, तन्ने मेरी ही खुशबू की इज्जत पर हाथ डाला। दही तोड़ते हैं इसकी दही, और इसका मारो और मार इसकी। अरे साले कुत्ते शर्म ना आती तुझे? साले और छेड़ ले अपनी बुआ को। खुशबू तू मार इसके एक रेपटा, मार साले के। मुरारी तू कैसे खड़ा है यहाँ पर, जाके मारना। मैं मार तो देता पर तने राखी बांध के मेरा हाथ बांध रखा। अरे वो सच्चे मन से थोड़ी ना बांधी थी, जा जाके मारना। अच्छा फिर तो देख मेरे हाथ। अरे पथवे की सिकल के तने मेरी गर्ल फेंड के नाड़े पे हाथ गिरा, ले मैं तेरा प्लेटफार्म ही तोड़ दूंगा। अरे चमनुद्दीन तू क्या देख रहा है, जाके मारना उसे। अरे मार तो रहे हैं सब, मेरे मारने से क्या हो जाएगा? अरे जाना जाके मार। अच्छा तो मरवा के ही मानेगी, चलो। अब तो तू खुश है? और मैं तनु कहूं अब तो बिल्लू की भतेरी बेचती होली, अब तो इसे बकस दो तेल लगा के। भाई प्रधान जी
इसे अपने साले को समझा लो, अगर आज के बाद इसने हमारे गांव में कोई ऐसी गंदी हरकत करी तो मैं इसे जान से मार दूं, चाहे मुझे जेल जाना पड़े। भाई राजू भाई, इसकी तरफ से मैं माफी मांगू, ठीक है? इसने तो साले ने मेरी बेइज्जती करवा दी। चल देखो श्याम भाई, चाय पानी तो हो गई, अब ब्याह शादी की बात आगे बढ़ाओ। वो तो हो जाएगा, कुछ बड़े मियाँ का परिचय तो करवाओ। परिचय कराएंगे, ये खुशबू के अब्बू गफूर मियाँ, ये खुशबू की अम्मी, और ये गफूर मियाँ के छोटे भाई। ये हमारे गांव का बहुत ही होनहार लड़का है राजू, जिसके बारे में मैंने आपको फोन पे बताया था, और ये है राजू के बड़े भाई श्याम, ये इनकी भाभी, ये गांव के प्रधान रतन सिंह, ये हमारे प्रधान जी के मुंशी। लो हो गया सबका परिचय। प्रधान जी आगे की कार्रवाई शुरू करो। देखो जी गफूर मियाँ, और बातें तो सब हो जाएंगी, लेकिन मेन बात ये है, हम हैं हिंदू, आप हो मुसलमान, और ये रिश्ता करने के बाद आपको आपके समाज से कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ जाएगी? देखो प्रधान जी, आजकल इन बातों को कौन देख रहा है? जहां बच्चों की जोड़ी मिल जा और दो रिश्तेदारों के आपस में विचार मिल जा तो वही रिश्ता कर देना चाहिए, मेरा ये मानना है। और जी मैं थारी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, 2029 तक हमारा यू हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, सारे मुसलमान हिंदू ही ना बन जाएंगे, फिर राड़ी खत्म हो जाएगी। हम तो थारी रिश्ता करके हिंदू बन गए, कोई बनो ना बनो, हमने के समाज का ठिक कठाया। अजी तब मेरी बात सुनो, मुसलमानों में कई बिरादरी हैं, जैसे त्यागी, जाट, गुज्जर, राजपूत, ये पहले हिंदू ही तो थे, इन्हें तो मुगल शासन में कन्वर्ट करा गया तेल लगा के। तो चौधरी साहब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, तुम्हारी कोई मांग तो नहीं है? ना जी मारी कोई मांग नहीं है, मारा तो ही मानना है, जिसने अपनी लड़की दे दी उसने अपना सब कुछ दे दिया, बस हम तो ये चाह रहे तुम एक रुपये का रिश्ता कर दो। बड़े मियाँ शुभ काम में देरी मत करो, एक रुपये का सिक्का काटो, लड़के के हाथ में दो, करो रिश्ता पक्का। अरे खुशबू की अम्मी, तेरे पे एक रुपया पड़ा? अजी मेरे पे तो ना है, आप पे होगा। अरे मेरे पे भी नहीं है। ऐसा कहता मैं एक रुपया भी लेकर नहीं चलते। अरे आराम से बोल, आराम से, नु तो रुपये बहुत है मेरे दौरे, एक का सिक्का नहीं है। देखो जेब में पड़ा होगा, हद कर रखी। यू तो 20 का है, तो 20 का दे दो। चौधरी साहब, चौधरी साहब, मेरे पास एक रुपया तो है नहीं, मेरे पे तो 20 का सिक्का। ना जी ना, हमें 20 नहीं चाहते, हमें तो बस एक ही रुपया चाह। अजी जब बारात लेकर आओगे ना, मारे 19 रुपए उल्टे कर दियो, जब लोग थारा ब्याह हो जाएगा 19 रुपए का। तो बड़े मियाँ, दो लड़के के हाथ में 20 का सिक्का और दोनों समझी समझी करो मीठा मुँह। आओ बेटा हाथ आगे करो। लाओ जी। लो प्रधान जी मुंह मीठा करो। लगीता करवार समझण का मुंह मीठा। चौधरी साहब, यू मेरा छोटा भाई है, इसका कहीं तो भी हानि हो रहा, इसका भी देखियो कहीं तो जुगाड़। हाँ जी क्यों नहीं, सोचेगा इसके बारे में भी, इसकी अभी उम्र ही के है बिचारेगी। भाई चमनू भाई, मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तुम सलमा भाभी को गैल क्यों नहीं लाए? वो तो मुई मुरारी के साथ डेट पे गई है, हमें कोई नहीं ले जाता डेट पे। और तू मेरी गैल चल डेट पे तेल लगा के।